हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है एक नई कड़ी में सीधी बात प्रभु जी के साथ। दर्शकों, आजकल हम कई जगहों पे न्यूज में, इंस्टाग्राम पे और कई सारे सोशल मीडियाज पे एक बहुचर्चित स्थल के बारे में सुनते हैं, जो कि है वृंदावन। कई लोग आजकल वृंदावन में जाते हैं और वहां पे एक बहुचर्चित जगह है जिसका नाम है निधिवन। ये अपने आप में एक रहस्यमय जगह है और इसके बारे में कई सारी बातें की जाती हैं। ये एक बहुत ही पवित्र स्थली है और इसके बारे में उतनी ही ऐसी बातें की जाती हैं जिससे कि शायद एक आम भक्त को जो कि वहाँ विजिट कर रहा है उसे थोड़ा डर सा लगे। तो आज हम जानेंगे कि किस तरीके से निधिवन का क्या महत्व है वृंदावन में, वृंदावन का क्या महत्व है और एक धाम में जाने के लिए क्या, किस तरह की मानसिकता होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति की। जो दर्शक आज हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, मैं उनके लिए एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। सनातन धर्मदास जी पुणे से हैं, ये वैदिक स्क्रिप्चर्स के टीचर हैं, ये कॉलेज स्टूडेंट से लेके कॉर्पोरेट तक सबको भगवत गीता, भागवतम इत्यादि से अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किस तरह से करना ये सिखाते हैं और आज इस टॉपिक पे गाइड करने के लिए हमारे शो पे प्रस्तुत है। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा सनातन धर्मदास जी का। हरे कृष्णा विप्लव जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा दोस्तों। सो प्रभु जी, जिस तरह से वृंदावन, निधि वन, ये वन का जो नाम है ये काफी कॉमन है अगर हम देखेंगे तो मैं चाहूंगा कि आप बताइए कि वृंदावन क्या है और ये किस तरीके से, क्या ये एक जंगल है, क्या क्या है यहाँ पे महत्व वनों का इस स्थल में। मैं चाहूंगा कि आप इसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए भौतिक जगत इसको कुंठा कहते हैं क्योंकि यहाँ पे मिजरीज कुंठा मिलती है, लेकिन कुंठा जगत से ऊपर है वैकुंठा। और वैकुंठ जो है चतुर्भुज नारायण का धाम है। ऐसे बहुत सारे वैकुंठ है, ढेर सारे वैकुंठ है जहाँ पे अलग अलग नारायण, चार भुज चतुर्भुज नारायण के जो है धाम है। उसके ऊपर आता है साकेत धाम जो प्रभु श्री रामचंद्र का धाम है, उसके ऊपर आता है द्वारका धाम, उसके ऊपर आता है मधुपुरी यानी कि मथुरा धाम। और मथुरा धाम में जो है सर्वोच्च, सबसे ऊंची जगह है ये वृंदावन। यस, आगे बढ़ूंगा फिर वापस वृंदावन पे आएंगे। 12 फॉरेस्ट ऑफ वृंदावन, इससे भी ऊपर है गिरिराज गोवर्धन और सर्वोच्च सर्वोपरि स्थान है राधा कुंड। ऐसा रूप गोस्वामी पाद भी समझाते हैं अपने उपदेशामृत में। ऑफ कोर्स मैंने एक साकेत धाम भी ऐड कर दिया, बट दिस इज द वे इन विच सबसे सर्वोच्च धाम होता है मधुपुरी मथुरा धाम, जिनमें से द्वादश कानन, द्वादश मतलब 12, कानन मतलब फॉरेस्ट्स। सो जिस प्रकार से हमारे मायापुर नवद्वीप बोलते हैं ना, नवद्वीप, तो एक एक द्वीप जो है एक एक नवविधा भक्ति के लिए श्रेष्ठ है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति ये ब्रजमंडल परिक्रमा करता है, ब्रज की परिक्रमा करता है, खास करके ये 12 वनों की परिक्रमा करता है, उस व्यक्ति को भगवान के प्रति 12 प्रकार के रस जो होते हैं, 5 प्राइमरी रसस, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, दास्य और शांत रस, इस प्रकार से जो 5 रस हैं, और भी रस हैं, विभत्स रस, भयंकर रस, रौद्र रस, एक्सेट्रा, वीर रस, दरा 7 सेकेंडरी रसास। तो ये 7+5 12 रस जो है उस व्यक्ति को प्राप्त होते हैं जो इस द्वादश कानन में कृष्ण के प्रति ये 12 रस प्राप्त हो जाते हैं उसको। तो ये पूर्व ओर, यमुना के पूर्व ओर जो है मधुवन, तालवन, कुमुदवन, काम्यवन, बहुलावन, वृंदावन और खांडीरवन, ये 7 जो है पूर्व यमुना नदी के पूर्व जो है ये 7 वन है। और यमुना नदी के पश्चिम जो है यहाँ पे महावन, भांडीरवन, लोहवन, भद्रवन और बेलवन, ये वन जो है ये उसके पश्चिम में है। सो दिस इज 7+5 इस तरीके से। अभी मैंने आपको जो है व्रज में जो 12 कानन है उसके बारे में बताया। आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि जब भगवान श्री कृष्ण लीला करने के लिए इस भौतिक जगत पर आना चाहते थे तो उन्होंने श्रीमती राधा रानी को बोला कि चलो हम चलते हैं वहां पे और वहां पे लीला करेंगे और एक ट्रेलर दिखा के जो बद्ध जीवात्मा है उन सबका उद्धार करते उन्हें वापस लाएंगे। श्रीमती राधा रानी बोली मैं कहीं नहीं जा रही, लेकिन उद्धार कैसे होगा? श्रीमती राधा रानी बोली मैं उसी जगह जाऊंगी जहां पे 3 चीजें जरूरी है,
पहली चीज यमुना होनी चाहिए, दूसरी चीज गिरिराज गोवर्धन होनी चाहिए, और तीसरी चीज जो है द्वादश कानन, 12 जो वन है व्रज के वो होने चाहिए, तभी मैं भौतिक जगत में जाऊंगी। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये सब ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, पहले से पहुंचे हुए हैं, अभी बस हमें आपको और हमें जाना है आगे। तो फिर राधा रानी मान जाती है, राइट। तो ये है वृंदावन। आप उसने और क्या पूछा था, आपने निधिवन भी पूछा था। निधिवन, जैसे आपने बताया कि 12 वन 12 रस का एक रिप्रेजेंटेशन है, तो मैं चाहूंगा कि आप निधिवन के बारे में बताइए कि निधिवन की क्या महत्व है। यस, तो वृंदावन में ही, द एरिया ऑफ वृंदावन, वहीं पे जो है एक गुप्त जगह है, दो गुप्त जगह बताई जाती है, एक है सेवा कुंज और दूसरा है निधिवन। तो सेवा कुंज वो जगह है जहां पे भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के साथ रासलीला करते हैं, वो है सेवा कुंज। और निधिवन, इसको जो है अगर आप श्रील प्रभुपाद जी के फोलियोस में टाइप करेंगे, इट्स कॉल्ड द फॉरेस्ट ऑफ स्लीप। निधिवन जो है ये, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण, दो देयर आर टू थ्री वर्जन्स, मैं सारे बता दूंगा। पहली बात तो यहाँ पे जो है पेड़ इतने प्राचीन है, वो लोग भी सोए हुए हैं, दे आर बेंड डाउन बिकॉज ऑफ एज एंड ऑल्सो दे आर स्लीपिंग। यस, और दूसरी बात, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी सोते हैं, दे स्लीप हियर, निंद्रा करने की लीला। एंड ऐसा भी कहा जाता है कि ये वन जो है श्री कृष्ण और उनके बंदरों का, वानरों का वन है, तो यहाँ पे और किसी को प्रवेश नहीं है। यस, तो वहां पे सब सोने आते हैं, ये सोने की लीला करने के लिए निधिवन होता है, और सेवा कुंज रासलीला के लिए। और इन दो जगहों को जो है बहुत एजोट्रिक माना गया, यानी कि बहुत ही ज्यादा गूढ़ रहस्यमय जगहों से एक में से एक माना गया। तो जैसे हम निधिवन के बारे में सुनते हैं, ये तो हम समझ गए कि निधिवन एक बहुत ही गूढ़ जगह है, एक बहुत रहस्यमय जगह है। इस निधिवन से जुड़ी काफ़ी भ्रांतियां हैं जो कि मैं चाहूँगा कि आप अपने हमारे दर्शकों को बताइए अपने अनुभव से। तो सबसे पहली भ्रांति ये है कि अगर निधिवन में कोई रुक जाए रात को तो वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। काफ़ी सारी ऐसी चर्चाएं की जाती है कि निधिवन के अंदर क्या होता है, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। तो एक बहुत ही, अगर आप देखेंगे तो धाम में एक बहुत ही अच्छी जगह है, और उसके बारे में इस तरह से जब कुछ कहा जाता है तो हमें इसे किस तरह से लेना चाहिए, किस भावना से लेना चाहिए, क्योंकि सुनने में तो काफ़ी डरावना लगता है कि भाई अगर आप रात को वहाँ रुक जाएँ, एक भगवान की स्थली में रुक जाएँ, तो आपका मानसिक संतुलन चला जाएगा। तो हम इस चीज़ को किस तरह से समझ सकते हैं, इन भ्रांतियों को हम किस तरह से समझ सकते हैं। बिल्कुल, पहली चीज बोलनी है कि ये बहुत बहुत ही रहस्यमय जगह है, खास करके भक्ति का गूढ़ रहस्य और बहुत ही गूढ़ता जो है इस जगह में है। इट्स वेरी एजोट्रिक, एजोट्रिक का मुझे ये इक्विवेलेंट हिंदी का नहीं मिल रहा मुझे, बट ऐसी जगह जो है वो केवल और केवल भगवान के उच्च कोटि के जो भक्त होते हैं, उत्कृष्ट कोटि के भक्त होते हैं, वही इन जगहों को जा करके उनका वास्तविक भाव समझ पाते हैं। जो व्यक्ति भौतिकवाद या फिर भौतिक दृष्टिकोण से धाम में प्रवेश करता है, उसका तो बर्बादी निश्चित है, वो एक तरीके से धाम को देख भी नहीं पाएगा। इस धाम थोड़ा बहुत बर्बाद, मतलब ही ऑफेंस, अपराध कर बैठेगा तो बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो भौतिकवादी क्या समझेगा धाम में जाके, कुछ नहीं, उसके लिए तो एक और वन है, प्राचीन वन है, ठीक है, यहाँ पे पेड़ सब सोते हैं, ऑल राइट, देखो बहुत प्राचीन पेड़ है, प्राचीन जगह है, दैट्स इट। तो भौतिक दृष्टिकोण से ऐसे धाम को नहीं देखा जा सकता। और एक चीज बता रहा हूँ कृष्ण और राधा कृष्ण की लीला के बारे में, ये लीला हर जगह लागू होती है। भगवान श्री कृष्ण ने जो है अपनी प्राकट्य लीला 5000 वर्ष लगभग पहले वृंदावन में की थी, लेकिन आज भी देखिए धाम ऐसी जगह है जहां पे भगवान आज भी अप्रकट्य रूप में अपनी लीला शुरू रखे हैं। इसको बोलते हैं नित्य लीला। तो भगवान की अप्रकट रूप में जो है नित्य लीला चल रही है अभी भी, और खास करके रात के समय जो है भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी सोते हैं। अभी शास्त्र अनुसार तो हमें कुछ मिला नहीं, आई डिडंट गेट एनी शास्त्र और किसी प्रामाणिक जो परंपरा में आने वाले वैष्णव लोगों से भी मुझे कुछ लेक्चर मिला नहीं। मैंने काफ़ी इस पर देखने का प्रयास किया, बट जो हमने तथाकथित बातें सुनी हैं उसके अनुसार जो है हमें पता लगता है कि जो जाते हैं वो अंधा हो जाता है, पगला जाते हैं ऐसे, क्योंकि वो एक तरीके से भगवान को डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा व्रजवासीगण कहते हैं वहाँ पे कि
जितने भी पेड़ के ऊपर पक्षियां होती हैं, बाकी सारे प्राणी होते, वे लोग भी समझ जाते हैं कि अभी कृष्ण और राधा रानी का टाइम हो चुका है। क्योंकि वृंदावन में जो है भौतिक माया नहीं चलती, किसी की माया नहीं चलती, किसी का शासन नहीं चलता, संपूर्ण सब कुछ जो है भगवान की लीला शक्ति और रिंद देवी तुलसी महारानी, शी इज द डायरेक्टर। तो लीला शक्ति और रिंद देवी के जो है निर्देश अनुसार ही प्रत्येक जीव जंतु वहां पे विचरित होते हैं, दे मूव अराउंड। तो वहां से सब लोग वन छोड़ करके निकल जाते हैं, क्योंकि अभी राधा और कृष्ण के सोने का टाइम हो गया और ये उनका सोने की जगह है, तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, डू नॉट डिस्टर्ब, तो जरा भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इसलिए सब लोग निकलते हैं। तो ये विधि परंपरा चलती आ रही है, ये व्रज में परंपरा मानी गई है। तो एक तरीके से ये बातें मैंने किसी व्यक्ति को देखा नहीं है जो पगला गया है या फिर जो अंधा हो गया, आई एम नॉट सीन, बट ये तथाकथित लोकप्रिय बातें हैं जो चलती है। बट प्रिंसिपल सिद्धांत हम लोग ये देख सकते हैं कि देखो धाम में जो है रहना है तो धामवासी जो करते हैं वो करना पड़ेगा। डू इन रोम एज द रोमन्स डू, उसी प्रकार से डू इन वृंदावन एज द वृंदावनवासी डू, वो करना चाहिए। जो किसी भी तरीके से इस नियम का उल्लंघन करेगा, ऐसे व्यक्ति को डेफिनेटली उसका कीमत मूल्य तो चुकाना पड़ेगा। धाम में जाके हम लोग जो है जिस प्रकार से साधारण व्यवहार करते हैं, किसी शहर का व्यवहार वो नहीं दिखा सकते, धाम में हमें जो है धामवासियों जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। भले हम धामवासी बनने योग्य नहीं है, फिर भी उसी प्रकार का व्यवहार जो है उचित। इवन हमारे नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं, विषया चढ़िया कबे शुद्ध बेमान तब आमहे रिबो श्री वृंदावन। तो बताते हैं जब विषया छाड़िया कबे, कब मैं विषय वासना सब छोड़ दूंगा, शुद्ध हो बे मन, मेरा मन शुभ होगा, तब आम हेरिबो श्री वृंदावन, तभी मैं वृंदावन धाम में प्रवेश करके सेवा करने के योग्य बनूंगा, ऐसा बोलते हैं। यस, तो विषय वासना के साथ एक्सपेरिमेंटल के नॉलेज के वजह से या फिर घमंड के वजह से जो लोग जाते हैं उनके साथ तो दुर्घटना घटनी है, वो तो वैसे भी होती है। ठीक है, तो जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा, दो चीजें कही। पहली चीज तो मैं जानना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा कि ये धाम है और यहाँ पे नित्य लीलाएं होती रहती हैं, जैसे कि निधिवन की अगर हम देखेंगे तो दो चीजों के लिए काफी फेमस है, एक तो है बांके बिहारी जी का अपियरेंस प्लेस माना जाता है उन्हें, कि वहीं पे बांके बिहारी जी की डीटीज अपियर हुई थी, और दूसरी चीज कि वहीं पे राधा और कृष्ण सोते हैं, वहीं पे ये लीला चलती है। तो आज अगर हम वृंदावन जाते हैं, मैं हाल ही में कुछ महीना पहले ही वृंदावन में था, आज जब हम वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन एक शहर से कम नहीं है, वहाँ जितनी भीड़ और जितनी गाड़ियाँ हैं वो किसी भी शहर या मुंबई शहर के हाईवे के ट्रैफिक से कम नहीं, उससे ज़्यादा ही है। वहाँ जो शोर शराबा है और जिस तरीके से जिस मानसिकता से लोग आ रहे हैं पर्यटन के लिए, टूरिज्म के लिए, अब क्या ये कहना सही होगा कि ये वही वृंदावन है जहाँ पे कि नित्य लीलाएँ चल रही हैं? क्या ये कहना सही होगा कि अभी भी जैसे कि आपने अभी भी कहा कि एक ऐसा स्थान है जहाँ माया नहीं चलती, सब कृष्ण की खुद की मर्जी से होता है, तो अगर आप जरा देखेंगे वृंदावन के आजू बाजू तो काफ़ी कुछ ऐसा चल रहा है जो कि सही नहीं होता। हम हर जगह देखते हैं कि कुछ गंदगी है, हम हर जगह देखते हैं भीड़ भाड़ है। तो एक और अभी कई कई सारे नवयुवक वहाँ जाते हैं, कई सारे लोग काफी व्लॉगिंग करना चाहते हैं, रील्स बनाना चाहते हैं, तो मतलब अगर हम एक वृंदावन की जो मेन सोल है वैसा देखेंगे, हम उसको अब फील नहीं कर पाते, तो हम कैसे समझ सकते हैं कि इतनी सारी चीजें जो कि हमें दिखती है, जो कि अब वृंदावन जैसी नहीं रही, जैसा हम सुनते हैं देखते हैं और जैसे हम अपने आचार्यों से सुनते हैं उनकी जो लालसा थी वृंदावन आने की, वो अब हम जब वृंदावन पहुंचते तो हम देखते हैं कि भाई वो तो कहीं है ही नहीं। तो एक व्यक्ति की क्या मानसिकता होनी चाहिए जब वो वृंदावन, निधिवन या ऐसे किसी भी एक आध्यात्मिक जगह पे जाता है जिसे कि ग्रंथों में, शास्त्रों में बहुत मान्यता दी गई है, वहाँ जाके हमारी मानसिकता किस प्रकार की होनी चाहिए और किस तरीके से हम एक ऐसी जगह पे जो आज की तारीख में एक भौतिकवादी इमेज दे रहा है, उसके अंदर हम अध्यात्म को किस तरीके से समझ सकते हैं और पकड़ सकते हैं? माय गॉड, यू हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन आई कैन आंसर फॉर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। अगले आधा घंटे का आपने सिलेबस दे दिया मुझे। ठीक है, मैं बताता हूँ। पहली बात है कि क्या वास्तविक, आपने दो मुख्य तरीके से दो प्रश्न किए। एक तो है कि जो वृंदावन धाम जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला की थी, क्या ये वही वृंदावन धाम है?
ऐसा है तो हम अनुभव क्यों नहीं कर पाते, नंबर वन। दूसरी चीज, वृंदावन धाम में प्रवेश करने के लिए और धाम में रहने के लिए सही भावना क्या होती है, ये दूसरा प्रश्न। ठीक है, तो दोनों का एक के बाद एक क्रम अनुसार हम उत्तर देंगे। पहली बात है कि वृंदावन धाम ये भगवान का घर है, धाम भगवान का घर होता है, और भगवान को घर को हमेशा देखिए, बड़ा कोई मालिक होता है तो बड़े मालिक अपने घर को ऐसे ही बिना पहरे किसी पहरेदार के छोड़ देता है ना, देयर इज ऑलवेज अ वेरी वेरी टाइट सिक्योरिटी, है ना। तो यहाँ पे भगवान के धाम को पालन करने के लिए बहुत ही एक टाइट सिक्योरिटी व्यक्ति बैठाए गए हैं वहां पे, जिनका नाम है शिव, शिव जी। तो वृंदावन धाम के हैं गोपेश्वर महादेव, हालांकि पांचों दिशा से नंदीश्वर महादेव, चक्रेश्वर महादेव, गोपेश्वर महादेव, भूतेश्वर महादेव, यस, तो इस तरीके कामेश्वर महादेव, कामेवन, तो इस तरीके से जो है हर जगह, पांच जगह पे जो है महादेव ने पूरे धाम को पालन कर रहे हैं। ठीक है, और यहां पे गोपेश्वर महादेव के रूप में शिव जो है वो धाम पालक है वृंदावन के। तो बाकी सचार भी बता चुका हूं मैं, तो प्रिंसिपल वही है। जब हम धाम में प्रवेश करते हैं तो शिव देखते हैं कि क्या ये व्यक्ति जो प्रवेश कर रहा है, क्या इसमें विषय वासना है, काम वासना है। अगर विषय वासना है तो तुरंत उनकी पत्नी कौन है शिव की, माया देवी, उनको बता देते हैं कि माया देवी आप क्या कीजिए, आप अपना आवरण डाल दीजिए, बैकड्रॉप डाल दीजिए उसके ऊपर, ताकि उनको वास्तविक धाम का दर्शन कभी नहीं हो पाए। इनको क्या दिखेगा, इनको बिल्डिंग ही दिखेंगी, इनको गटर दिखेंगे, इनको सुअर दिखेंगे, इनको ऐसे लुटेरे दिखेंगे जो बंदर दिखेंगे, कुत्ते दिखेंगे, यस, और लुटेरे लोग अलग अलग प्रकार से पैसा लूटने के लिए आ रहे हैं, वैसे ही दिखेंगे। वो धाम का मधुरिमा कभी भी अनुभव नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम जो है सेवा भाव में नहीं आए हैं, हम काम वासना के साथ आए हैं, इसलिए हमें धाम में यही दिखाई देता है। लेकिन जब देखा जाएगा, हमारा ऑफिसर देखेंगे कि ये तो अरे शुद्ध प्रेम से आए हैं, बिल्कुल एकदम सही सेवक के भाव से आए हैं, लेश मात्र भी काम वासना इनके हृदय में नहीं है, तो वास्तविक वृंदावन धाम हमें जो है उसका दर्शन होगा। यस, दिस इज द मेन रीजन। यस, तो ये माया देवी का आवरण देख रहे हैं हम लोग, ना कि वास्तविक वृंदावन धाम। क्यों? क्यों? क्योंकि हमारी चेतना आवृत है, क्योंकि चेतना आवृत है इसलिए दृष्टि आवृत है, दर्शन भी आवृत है। लेकिन जैसी चेतना पूर्ण विकसित हो जाती है तो धाम भी पूर्ण विकसित हो जाता है। ठीक है, यस। सो ये अभी किस भावना से वृंदावन में प्रवेश करना चाहिए ताकि हम धाम का दर्शन प्राप्त कर सके। तो पहली बात है, वृंदावन हम लोग कभी भी जाएंगे तो अक्रूर जी के प्रार्थना पढ़ना बहुत आवश्यक है। सो हाल ही में मैं अपने कुछ विद्यार्थियों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ कृष्णा बुक पढ़ रहा था, उसमें रीडिंग चैप्टर नंबर 38, किस प्रकार से अक्रूर जी जो है वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं, और उसका एक ही भाव है, एक ही भाव कि मैं बिल्कुल योग्य नहीं हूँ, मैं बिल्कुल योग्य नहीं हूँ, आई एम कंप्लीटली डिस्क्वालिफाइड हैं, बिल्कुल अयोग्य हूँ, फिर भी वो आशावादी रहते हैं कि कृष्ण मुझे स्वीकारेंगे। तो अक्रूर जी का जो भाव है, प्रभुपाद जी लिखते हैं वहाँ पे कृष्ण बुक में कि ये सही भाव है जिससे प्रत्येक भक्त को धाम में प्रवेश करना चाहिए। अगर ये भाव नहीं है तो हम धाम की कृपा कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और साथ ही कभी हमें जो कभी समझना नहीं चाहिए कि स्वतंत्र रूप से हम बिल्कुल सक्षम है वृंदावन प्रवेश करने के लिए, हमें हमेशा यही चीज देखनी चाहिए कि हम बिल्कुल तुच्छ है, अयोग्य है, हम गुरु की कृपा से धाम में प्रवेश कर रहे हैं। गुरु, श्रील प्रभुपाद, ये सब वास्तविक ब्रजवासी हैं और हम इनके सानिध्य में जाके जो है धाम को, धाम की सेवा कर रहे हैं। गौरा मार्ज सब स्थान कलियो भ्रमण रंगे, से सब स्थान हेरी वो आमी प्रणयी भक्त संगे। तो प्रणयी भक्तों के साथ, गुरु महाराज और ऐसे जो वरिष्ठ भक्त, इनके साथ में जो है, उनके सानिध्य में होकर, उनके दास के रूप में उनका अनुगमन करते हुए जो है हम वृंदावन धाम को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा भाव होना चाहिए व्यक्ति का, तभी वो वृंदावन धाम में प्रवेश कर पाएंगे। इसलिए प्रभुपाद भी हमेशा बोलते थे, यू कैन नॉट एंटर वृंदावन जस्ट बाय परचेसिंग टिकट, ट्रेन टिकट, फ्लाइट टिकट, बस टिकट परचेस करके आप वृंदावन धाम नहीं जा सकते। वृंदावन धाम के लिए ब्रजवासियों की कृपा की आवश्यकता है। ऐसा भी प्रभुपाद जी लिखते हैं, अगर हमें वैकुंठ जाना है तो वैकुंठवासियों की कृपा के बिना हम लोग वैकुंठ नहीं जा सकते। उसी प्रकार से वृंदावन बोलो, वृंदावन जाना है तभी हम लोग ब्रजवासियों की कृपा के बिना नहीं जा सकते।
उसी प्रकार से भूलोक वृंदावन भी जाना है तो भूलोक वृंदावन वासी या फिर रजवासी के भूलोक वृंदावन, देयर इज नो डिफरेंस, बिल्कुल अभिन्न है। जब तक वो व्रजवासियों की कृपा नहीं होगी हम लोग धाम में प्रवेश नहीं कर सकते। तो जैसे कि अभी आपने कहा कि धाम में प्रवेश करने के लिए गुरु साधु ब्रजवासी की कृपा चाहिए होती है, तो मान लेते हैं कि हम अब धाम में पहुंच गए हैं और हमारे बहुत सारे दर्शक आज इस शो को देख रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि अब हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जब हम वृंदावन पहुंचते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि वृंदावन माने या ना माने आज एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल बन चुका है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हैं, घूमने लायक चीज़ें हैं वहाँ, बहुत सारी खाने पर खाने पीने के पदार्थ बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि कई व्यक्ति सिर्फ थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ दर्शन करके ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय करने की कोशिश करते हैं। अब यूँकि हम ये समझ चुके हैं कि शिवजी स्वयं ये लीला रचते हैं उन लोगों के साथ जो कि भौतिकवादी होते हैं, जब हम ये समझ रहे हैं तो अब सही क्या करना है उसके बारे में मैं चाहूंगा कि आप प्रैक्टिकली बताइए कि अगर कोई वृंदावन जाना चाहता है या कोई वृंदावन पहुंच गया है तो उसे प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए जिससे कि वो वृंदावन के रियल सिद्धांत को समझ सके, वृंदावन को असलियत में महसूस कर सके और उसको रिलिश कर सके। मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को प्रैक्टिकल टिप्स बताइए कि वृंदावन जाके हमें किस तरह से करना चाहिए ताकि हम वृंदावन की कृपा को अब्सॉर्ब कर सके। अ वेरी गुड क्वेश्चन प्रभु, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। तो इसका उत्तर इस तरीके से जो हमने श्रवण किया हमारे गुरुजनों से वही बताऊंगा। वृंदावन धाम में पहली बात तो है स्वतंत्र रूप से जाना नहीं, इट इज नॉट अ फैमिली आउटिंग। प्रभु जी हम वृंदावन को होके आ गए, हम फैमिली पिकनिक, मैं गया, मेरी बीवी थी, मेरे बच्चे थे और मेरे जो है भाई आया था, उसकी बीवी थी, उसके बच्चे थे, हम सब मिलके एक पिकनिक के लिए जाके आ गए, आज की आनंद की जाए। नो, ऐसा नहीं है। इट इज नॉट अ पिकनिक टाइम, इट इज नॉट साइट सीइंग। चलो हमने इधर गए इधर घूमा उधर घूमा, रॉन्ग, कुछ नहीं मिलेगा। हमने इसका फोटो निकाला, इनके साथ सेल्फी निकाली, वो किया, कैमरा कॉन्शियसनेस, डिजिटल कॉन्शियसनेस, रील्स बनाए, नो यूज। वृंदावन जाना चाहिए, देखिए हम में से किसी व्यक्ति को नहीं सोचना चाहिए कि हम वृंदावन जा रहे हैं, हम वृंदावन जा रहे नहीं, गुरु महाराज हमें लेके जा रहे हैं। जब गुरु, हमारे शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु, ऐसे वरिष्ठ वैष्णव हमें लेके जाते वृंदावन धाम, तब हमें वृंदावन धाम जाना चाहिए। वी शुड नॉट मेक आवर ओन अरेंजमेंट, नो, वी आर नॉट क्वालिफाइड। तो पहली चीज ये बहुत क्लियर है, नॉन यात्रा मतलब किसी वरिष्ठ भक्त के साथ हम लोग जा रहे हैं, ये पहली योग्यता। और धाम में हमारे सिर्फ दो काम है, श्रवण और कीर्तन। हम धाम में प्रवेश कैसे करेंगे? ध्वनि के द्वारा, श्रवण के द्वारा। उसी धाम में जहां पे भगवान ने लीला की है वहां बैठ करके जो है जब हम श्रवण करते हैं उसी लीला के बारे में, तो लीला प्रकाशित हो जाती है। तो हम भक्ति योग परिभावित हृत सरोजा आसे श्रुतेक्षित पतो ननुनाथ पुंसाम यद यद धियात उरुगाय विभावयंती तत्तद वपु प्रणय से सदनुग्रहाय। ब्रह्मा जी बताते हैं अपने स्तुतियों में कि हमारा श्रुत इच्छित पत है, हमारा मार्ग है श्रवण के माध्यम से भगवान के बारे में जो है हम जानकारी प्राप्त करते हैं और साक्षात्कार भी प्राप्त करते हैं। तो धाम में जाके जो वरिष्ठ वैष्णव है, हमारे शिक्षा गुरु हैं जो हमें भक्ति मार्ग में लाए, ऐसे वैष्णवों के संग में, प्रामाणिक वैष्णवों के संग में बैठ करके श्रवण करना चाहिए। ज्यादा देखने वेखने के मूड में नहीं होना चाहिए, खाने पीने के मूड में नहीं होना चाहिए, फोटो वोटो खींचेंगे इसके मूड में भी नहीं होना चाहिए। और बाकी टाइम पे श्रवण किया, उसके बाद कॉन्स्टेंटली, धाम मतलब नाम, जब हम भक्तों के साथ है कीर्तन, भक्तों के साथ नहीं है जप, दोनों करना है हमको, दोनों। और धाम में जा रहे हैं मतलब हमें पूरा, अभी हमारा इस्कॉन वृंदावन है, कृष्ण बलराम मंदिर, वहां जाकर के पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम करना है, सुबह का कार्यक्रम करना ही, गो देयर डू द मॉर्निंग प्रोग्राम, सुबह की मंगला आरती करनी है पहले, इफ पॉसिबल 4:10 को ही मंगला आरती होती है श्री प्रभुपाद के समाधि में, फिर 4:30 को विभावरी शेष होता है। यस, तो वो पूरी मंगला आरती हमें करनी है, नरसिंह आरती करनी है, तुलसी आरती करनी है, फिर जब हमारा मिनिमम जो गुरु महाराज को कमिटमेंट दिया 16 माला करना है, उसके बाद जो है भागवत श्रवण करके फिर निकलते हैं यात्रा के लिए। बिना मॉर्निंग प्रोग्राम के वो स्ट्रेंथ नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं। हम मॉर्निंग प्रोग्राम जो प्रभुपाद ने सुबह का कार्यक्रम दिया है वो करने के बाद
हम धामवासी के सही चेतना में हो सकते हैं, बन सकते हैं, तैयारी, और उसके बाद धाम दे धाम दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, धाम सेवा करने के लिए जा सकते हैं। हमें कभी भी इस मूड में नहीं होना चाहिए कि हम जो है देखने आए हैं। देखिए पहला स्कंद 13वें अध्याय में जब महात्मा विदुर हस्तिनापुर लौट करके आते हैं, उनके लौटने का उद्देश्य होता है धृतराष्ट्र जो आसक्त है उसको खींच करके संन्यास की ओर लेके जाने के लिए। यो सकात परतो यहा जात निर्वेद आत्ममान निधिकृत्वा हरिम गेहात प्रव्रजेत स नरोत्तम, उसको नरोत्तम बनाने के लिए, उसे घर से बाहर निकालने के लिए विदुर जी आते हैं। लेकिन जैसे वो प्रवेश करते हैं युधिष्ठिर महाराज ये नहीं पूछते कि चाचा जी आप कहाँ कहाँ घूमे, जरा फोटो दिखाइए, कौन कौन सा दर्शन किए। रॉन्ग, वो एक ही प्रश्न कहते हैं, किन किन धामों में आपने सेवा की, वेयर डिड यू परफॉर्म सर्विस। पढ़िए भागवत, इट्स सो वेरी क्लियर कि कहां कहां सेवा की वो बताइए, हम जानना चाहते हैं। तो ये चेतना होनी चाहिए। मैं आपको यहां रोकना चाहूंगा, मैं एग्जैक्टली जानना चाहूंगा कि धाम सेवा का मतलब क्या होता है। यस, धाम सेवा यानी कि धाम में जाकर के नवविधा भक्ति करना, वो है धाम सेवा। यस, क्योंकि धाम एक तरीके से, धाम और नदियां जो होती हैं उनकी एक चिंता थी, नदियों की चिंता थी, धाम की भी चिंता थी, यमुना जी की भी चिंता थी कि कलयुग में सारे पापी जीवात्मा आके जो है मेरी मुझे मुझ में सारे पाप डाल देंगे। फिर नारद मुनि ने उनको जो है भविष्य पुराण में आश्वासन दिलाया कि आगे चल के श्रील प्रभुपाद के अनुयायी इस्कॉन के भक्त आएंगे और वो धाम सेवा यानी कि श्रवण और कीर्तन करके, कीर्तन खास करके करके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे कीर्तन करके जो है सारे पाप निकाल देंगे आपके। ऐसे शक्ति होती है हरि नाम में, खास करके जब भक्त हरि नाम लेते हैं, तो यही धाम सेवा है। यस, ऑफ कोर्स देयर आर अदर वैरायटीज ऑफ धाम सेवा जो हम कर सकते हैं, कि जैसे कि मेरे गुरु महाराज के कार्तिक यात्रा में देखा है कि कुछ लोगों को जो है धाम क्लीनिंग का सेवा मिलता है, यानी कि धाम में भी बहुत सारे प्लास्टिक बॉटल्स या प्लास्टिक कवर्स रहते हैं, तो जैसे हम धाम के लिए आगे जा रहे हैं कुछ भक्त लोग को प्लास्टिक भी निकालते हैं, वो भी धाम सेवा है। इट्स गुड, बहुत अच्छा, वो भी करना चाहिए। लेकिन नाम लेते लेते नाम को नहीं छोड़ना है, धाम में जो नाम छोड़ा फिर उसका धाम यात्रा आम हो गया, इज नथिंग बट ऑर्डिनरी। धाम विदा नाम इज आम ऑर्डिनरी, तो धाम का प्रभाव तभी लगता है जब हम नाम ले। यस, तो दैट इज द रियल धाम सेवा, जाके वहां पे हरिनाम प्रभु की सेवा करो। और धाम सेवा एक और होती है कि जहां जहां आप स्थली में जाते हैं, तो भक्त लोग जो है वो मैनेजमेंट, वो प्रशासन, उनके वहां के संत साधु, उन लोगों ने मेंटेन बहुत अच्छे से किया ना, बहुत सारी स्थली वो सुंदर तरीके से मेंटेन कर रहे हैं। अगर वो वहां पे सेवा नहीं करते, वहां साफ साफ सुथरा नहीं रखते, वहां पे पूजा पाठ नहीं करते, तो वह जगह तो लुप्त हो जाएगी, हाँ कि नहीं। तो ऐसे धामवासी जो वहां पे रुक के सेवा कर रहे हैं उनकी भी सेवा करनी चाहिए। तो गृहस्थ खास करके जो कमाते हैं भक्त, दे हैव टू गिव देयर अर्निंग्स, तो सम परसेंटेज ऑफ अर्निंग्स दे देनी चाहिए मंदिर में वहां के पुजारियों को, ताकि उनकी सेवा, वो जो है और उत्साह के साथ सेवा कर सके, सारी सुविधाएं प्राप्त हो सके उनको सेवा करने के लिए। तो ये भी धाम सेवा में आती है। यस, ये धाम सेवा। तो मैं दो और प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा कि मान लेते हैं कि हम धाम में जाके कई बार हम देखते हैं कि हमारा अनुभव अच्छा नहीं रहता है, कई बार हमारे साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि काफ़ी ही दुखदाई होती हैं, कुछ हो जाता है, कुछ चोरी हो जाता है, कोई परेशानी आ जाती है, कोई बीमारी आ जाती है, इत्यादि इत्यादि। कई बार ऐसा होता है कि धाम कर यात्रा करते वक्त ही कुछ बुरा हो जाता है, जिसकी वजह से हम धाम के प्रति वो फीलिंग नहीं रख पाते। तो अगर हम धाम यात्रा कर रहे हैं और किसी कारणवश, किसी पूर्व कर्मवश अगर हमारे साथ कुछ भी ऐसी घटना घटती है जो कि सही नहीं है, हम तो हमें उसे किस तरह से अब्सॉर्ब करना चाहिए, हमें उसे क्या समझना चाहिए, मैं चाहूँगा कि आप इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, आई विल गिव एग्जाम्पल। प्रैक्टिकली व्यक्ति को लग सकता है कि कोई धामवासी, यस अपेरेंटली धामवासी आके लड़ाकू बन रहा है, कोई दुकानदार या रिक्शा वाला ज्यादा पैसा मांग रहा है, चीटिंग कर रहा है हमारे साथ। यस, बंदर ने आके चश्मा ले लिया और चला गया, या बंदर कुछ और लेके चला गया, पर्स लेके चला गया, बटुआ मार लिया। देखिए एक चेतना होनी चाहिए, जहां पे जो भी है
ये सब भगवान श्री कृष्ण के पार्षद है, हमारी चेतना होनी चाहिए और हमारी जितनी भी आसक्ति है और उस आसक्ति को लेके जाने वाले हैं। इसलिए बंदर का दूसरा नाम है हरि। ये सब बंदर जो है भगवान श्री कृष्ण के फ्रेंड्स होते हैं, तो हरि से जो आसक्ति थी वो लेके चले गए। किसी का चश्मा आसक्ति था लेके चले गए, गलत दृष्टि कौन था आप चेंज कीजिए। किसी का मोबाइल आसक्ति था वो लेके चले गए। और कभी कभी हमारे साथ कोई आके हमें बिल्कुल पूरी तरीके से चटनी कर देता है हमारी ईगो, वेरी गुड, तो अहंकार का भी शुद्धिकरण हो रहा है। तो एक तरीके से धाम में एक चीज निश्चित है, धाम में जो तपस्या हम करते हैं एंड सच काइंड ऑफ जस्ट प्यूरिफाइंग इंट्रैक्शंस, ये इस प्रकार के आदान प्रदान जो इट कैन बी ए बिटर एक्सपीरियंस, लेकिन कोई बात नहीं, देयर इज नो प्रॉब्लम। बिटर जूस इज ऑलवेज अ मेडिसिन, दवाई कड़ी भी होती है, बट ये हमारे अहंकार को शुद्धिकरण करती है, अहम और मम यानी कि हमारी ममत्व, अहम और मम, ये दोनों ने हमें जनस्य मोहोयम अहम ममेति, अतः गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तेर जनस्य मोहोयम अहम ममेति। भागवतम में अहम और मम ये दो प्रकार के दुश्मन बताए गए हैं। अहम यानी कि अरे हम बहुत बड़े हैं, हम इसे ऐसे कंपनी में काम करते हैं, करोड़ों रुपए महीने का कमाते हैं, वेरी गुड, कोई आके आपको बिल्कुल अहंकार जो है हम्बल कर देगा, प्रभु किया हम्बल, तो जो फॉल्स ईगो पंक्चर होता है, अरे इतना लगता है जोर से लगता है, कोई सोच रहा होता है हम इतने बड़े भक्त है, इतने बड़े भक्त है, पर फिर से भगवान अच्छा मेरे धाम में आके ऐसा सोचते हो, पाचक पूरा फॉल्स ईगो डिफ्लेट हो गया, शुद्ध अहंकार का शुद्धिकरण। दूसरा व्यक्ति को बहुत अटैचमेंट है, पैसे से अटैचमेंट है, मोबाइल से अटैचमेंट है। मेरे एक स्टूडेंट है, उसका 3 बार 3 यात्रा में मोबाइल चोरी हो गया। मैंने पूछा है भाई गलत गलत चीजें देखता है क्या? हाँ प्रभु जी कभी कभी रील्स देख लेता हूँ बहुत टाइम के लिए। इसलिए भगवान बोल रहे हैं भाई फोन यूज किया है केवल भक्तों की सेवा में यूज करो, कृष्ण की सेवा में यूज करो, किसी और चीज के लिए यूज मत करो, वरना भगवान उसको, भगवान के सारे फ्रेंड्स हैं वहां पे, सब ले लेंगे आपको। ठीक है, तो हमारे अहम और ममा का शुद्धिकरण हो रहा है इस चेतना से। इसीलिए वी टू गो विद सीनियर डिवोटीज, धाम में अलग अलग प्रकार के अनुभव आएंगे, यस अलग अलग तरीके के अनुभव आएंगे, बट अगर हम वरिष्ठ भक्तों के साथ रहेंगे तो तुरंत वो हमारी चेतना सही कर देंगे प्रभु। सो ओके, ऐसा होता है, धाम का मतलब तपस्या होता है प्रभु जी, और तपस्या फॉर फॉल्स ईगो इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तपस्या कीजिए थोड़ा, हरि हरि, चलना फिरना उठना बैठना, थोड़ा खम खाना, थोड़ा पानी नहीं पिया प्रभु जी प्यास लगी है, ये सब शारीरिक तपस्या कुछ नहीं है। सबसे बड़ी तपस्या किसकी होती है? अहंकार की तपस्या, वो भरपूर मात्रा में मिलती है ऐसे अनुभव से। सो दैट इज वेरी नाइस, पैलेटिवली लेना चाहिए हमको कि अच्छा, तो वो अच्छे दृष्टिकोण। दूसरी चीज देखिए, हम धाम क्यों आए हैं ये इस उद्देश्य को याद रखना चाहिए। हम धाम आए हैं श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए। हाल ही में हम जगन्नाथपुरी धाम गए थे गुरु महाराज के साथ, तो गुरु महाराज ने बहुत सुंदर अर्थ श्री क्षेत्र का समझाया था। अंग्रेजी में बताऊंगा, श्री क्षेत्र इज अ प्लेस विच इज कंप्लीटली इन्फेस्टेड विद द मर्सी ऑफ श्रीमती राधा रानी, संपूर्णतः श्रीमती राधा रानी के कृपा से भरा हुआ है। यस, जैसे कि वाईफाई नेटवर्क होता है, वाईफाई नेटवर्क अलग अलग जगह पे अलग अलग रेंज मिलता है, लेकिन जब पास में राउटर के जितने पास होंगे उतना ही ज्यादा सिग्नल आएगा। यस, तो उसी प्रकार राउटर ने राधा रानी के पास आएंगे तो सबसे ज्यादा मर्सी मिलेगी सिग्नल, और उसको धाम कहते हैं, जहाँ पे हाईएस्ट सिग्नल मिलता है, मर्सी का सिग्नल, कृपा का सिग्नल, वो हम प्राप्त कर सकते हैं। हरी हरी। इसके बाद आखिरी प्रश्न में ये पूछना चाहूंगा कि कई बार आजकल धाम में वास करना काफी इजी हो गया है। कई बार हम देखते हैं कि आजकल एक ऐसा प्रचलन हो चुका है कि धाम में हम एक घर ले लेते हैं और वहां हम रह लेते हैं, वहां के हम, क्योंकि धाम में इतनी प्यूरिफिकेशन मिलती है, इतनी भक्ति करने के इतने साधन मिलते हैं, और क्योंकि हम इतनी कथाएं सुनते ही हैं तो कई बार हमारा एक आकर्षण हो जाता है किसी धाम के प्रति और हमें वहां रहने का मन करता है। आजकल भौतिक संसाधनों के कारण धाम में रहना कोई एक बड़ी चीज नहीं रह गई है। कई कई लोग हैं जिनके घर होते हैं धाम में, वो वहां रहते भी हैं, तो और कई लोगों की इच्छाएं होती हैं ये देख के कि यार ये वृंदावन में रह रहा है, मुझे भी वृंदावन में वास करना चाहिए, मुझे भी यहाँ रह के भक्ति करनी चाहिए। तो हमारा क्या इस
एक तो चीज हो गई कि हम धाम को विजिट करते हैं 2-3 दिनों के लिए और वहाँ हम दर्शन करके आते हैं, कथा सुन के आते हैं, और एक दूसरी इच्छा होती है कि धाम में वास करना है, एक लंबे समय के लिए वास करना है और यहीं रह के भक्ति करनी है। तो हमारे शास्त्र इसके बारे में क्या बताते हैं? हम अपने शास्त्रों में भी सुनते हैं, हमने जब भी सुना है कि चैतन्य महाप्रभु कहाँ जाने के लिए सबसे ज्यादा आतुर थे, वो थे वृंदावन। अगर हम सुनेंगे सारे गोस्वामी कहाँ जाने के लिए आतुर रहते, तो कहाँ आके उन्होंने सबसे ज्यादा है अपने ग्रंथों का किया वृंदावन। तो हम इतनी महत्व जानते हैं वृंदावन के बारे में, और हमारी एक इच्छा दिल में जागना बहुत स्वाभाविक है कि चलो इसी वृंदावन में जाके रहते हैं। इसी स्वाभाविक इच्छा के ऊपर हम देखते हैं कि इतने सारे बिल्डर, इतने सारे अपार्टमेंट्स वहाँ बना रहे हैं, कि पहले तो वो एक वन था, वहाँ रहना इतना ईजी और इतना आरामदायक नहीं था, बट आजकल बहुत आरामदायक हो गया है वहाँ रहना। पर एक भक्त की क्या कॉन्शियसनेस होती है, होनी चाहिए धाम वास करने की, तो मैं चाहूंगा कि आप इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, धाम वास गुरु की आज्ञा के अनुसार करना चाहिए। इट शुड नॉट बी विम्सिकल डिसीजन कि मुझे जाना है धाम, नहीं। जहां गुरु महाराज सेवा देते हैं वही वृंदावन। तो बहुत बार ऐसे हो सकता है कि हम सेंटिमेंटली, सबके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, इट कैन हैपन टू सम नियोफाइट्स, सेंटिमेंटली सोचे नहीं हम लोग फ्लैट बुक करके उधर ही जाएंगे, लेकिन गुरु क्या आदेश दे रहे हैं। देखिए, दीक्षा के बाद एक शिष्य को जो है एक टाइटल मिलता है जिसका नाम है दास। जैसे माय नेम इज सनातन धर्म दास, राइट? ये दास का टाइटल मिला है, बट व्हाट एक्चुअली दास मींस, हमको पूछा गया था एक बार कि दास का मतलब क्या है। एक अंग्रेजी में बताऊं तो इट सर्वेंट, दास मतलब सर्वेंट, रॉन्ग। दास मीन्स लेव। बहुत डिफिकल्ट, हम तो सर्वेंट ही नहीं है प्रभु जी, स्लेव बनेंगे अभी, वेरी डिफिकल्ट। स्लेव मतलब सेवक, सर्वेंट जो होता है अंग्रेजी में सर्वेंट बोलते हैं, वो वेतन लेता है, लेकिन स्लेव कोई वेतन नहीं रहता, वो मालिक के साथ बिका हुआ है, कोई वेतन नहीं मिलता। सर्वेंट को मालिक अच्छे नहीं, अरे ज्यादा झाड़ू पोछा करा रहे, ज्यादा बर्तन नहीं मांजेगा, हम जा रहे हैं, मालिक चेंज कर सकता है। दास के पास वो ऑप्शन नहीं है, एक बार अपनी स्वतंत्रता दे दी, वो मालिक के अधीन ही जिएगा और मालिक के अधीन ही मरेगा। दास के पास कोई स्वतंत्रता नहीं होती। तो एक तरीके से जैसे हम दीक्षा काले भक्त कोयला आत्मसमर्पण, ता काले कृष्ण कोयला भक्त आत्मसमर्पण, तो दीक्षा काल में जो है भक्त संपूर्ण तरीके से आत्मसमर्पण करता है, और करना चाहिए, आइडियल है। दैट मीन्स कि गुरु के इच्छा के अनुसार जीता है। तो सच क्रूशल डिसीजंस हमें विम्सिकली इंडिपेंडेंटली नहीं लेने चाहिए, स्वतंत्र रूप से नहीं लेने चाहिए कि मुझे जाना है धाम, मैं उधर ही रहूंगा। फिर वृंदावन धाम कभी भी आपको अनुमति नहीं देगा, भले आप धाम में फ्लैट बुक कर ली, यू नॉट बी स्टेइंग इन वृंदावन, यू बी स्टेइंग इन फ्लैट। गुरु महाराज की क्या इच्छा है कि हम जाके धाम वास करें? अगर गुरु बोलते हैं ठीक है धाम वास करो और उधर धाम में ही सेवा करो, परफेक्ट, दैट्स अ परफेक्ट इंस्ट्रक्शन। अगर गुरु बोले नहीं शहर में रहकर प्रचार करो, लोगों को वृंदावन टाइम टू टाइम लेके जाओ, दैट इज परफेक्ट। व्हाट इज स्पिरिचुअल मास्टर टेलिंग? देखिए, बहुत बार हम बोलते हैं कि अरे गुरुदेव जो है वो बहुत बिजी रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं। देन हु इज गुरु फॉर अस? हमारे जो हमें काउंसिलर या भक्ति वृक्षा है, जो भी बोले आप, जो अलॉटेड है, और मंदिर के जो अध्यक्ष हैं, टेम्पल प्रेसिडेंट, लोकल लीडर, अथॉरिटी, ये अथॉरिटी और काउंसिलर मिल के दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गुरु, गुरु के प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे लिए। तो वे जो बोले उसको स्वीकार करके हमारा जीवन व्यतीत करना चाहिए, दैट्स आइडियल। तो ऐसा कहा जाता है कि वृंदावन धाम में कृपा 1000 गुना मिलती है, लेकिन अपराध करेंगे तो वो भी 1000 गुना आता है, वेरी रिस्की। तो ज्यादा देर कनिष्ठ अधिकारी भक्त जो है, कनिष्ठ भक्त यानी कि बिल्कुल निचले स्तर के भक्त मेरी तरफ, जाके वृंदावन में रहेंगे, डेफिनेटली विल कमिट ऑफेंसेस। इसलिए ज्यादा देर रुकना नहीं चाहिए, 1-2 हफ्ते से ज्यादा नहीं रुकना चाहिए, 1-2 हफ्ते सेवा की और फिर निकल जाना चाहिए, क्योंकि दिस आर टेंडेंसी, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। हम हर कोई चीज भौतिक दृष्टिकोण से देखते हैं, वी सी इट मटीरियली, भौतिक दृष्टिकोण से देख के वी टेक इट चीपली, उसको बहुत चीपली ले लेते हैं और फिर अपराध कर बैठते हैं। अमेजिंग। तो दर्शकों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना कि वृंदावन में कई ऐसे लोग हैं जो वृंदावन में रहते हैं, और कई ऐसे लोग हैं जो वृंदावन उनके दिल में रहता है। तो हमें वृंदावन को अपने मन में, अपने दिल में बसा के वृंदावन का चिंतन करना चाहिए,
और अगर गुरु की आज्ञा हो तो वृंदावन में जरूर रहना चाहिए इस प्रोजेक्ट। आई लाइक टू ऐड समथिंग, थैंक यू थैंक यू। अगर बहुत लोग उपदेश अमृत कोट करते हैं, सन नाम चरितादि सुकीर्तनासन सत कृष्ण नाम चरितादि सुकीर्तनानो स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज तिष्ठन् व्रजे तदनुरागि जनानुगामी कालम नये तदकैलव इति उपदेश सारम। तो ये श्लोक कहते हैं तिष्ठन् व्रजेत, तो इसका अर्थ भक्ति विनोद ठाकुर अपने कमेंट्री में समझाते हैं, प्रभुपाद जी भी समझाते हैं, विच मीन्स टू लिव इन कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस ऑफ वृंदावन। यस, वृंदावन इज अ कॉन्शियसनेस, वृंदावन कोई जगह नहीं है, कॉन्शियसनेस है। बहुत बार व्यक्ति फिजिकली शारीरिक स्तर पर वृंदावन में रह सकता है लेकिन उसका मन विषय आसक्ति में है, व्हाट इज द यूज। यस, ऑन द अदर हैंड व्यक्ति जो है जो चेतना से वृंदावन में है और अपने प्रभु दत्त देश जहां पे गुरु ने सेवा करने को बोला है वो सेवा कर रहा है, इज इन वृंदावन। तो वृंदावन जो है सेवा है, वृंदावन जो है गुरु की आज्ञा है, गुरु की कृपा है, उसको स्मरण करते हुए हम सेवा करते रहेंगे तो वास्तविक वो वृंदावन है, राइट? दैट इज द रियल वृंदावन। इनफैक्ट प्रभुपाद जी एक बार बोले कि जो कत्तल खाने होते हैं, जो नशे जुआ के जगह होते हैं जहां पे व्यभिचार होता है, ऐसी जगह तमोगुण में है। शहर जो होते हैं वे रजोगुण में है और वन जो होते हैं ये सत्वगुण में है। फिर कुछ देर बाद प्रभुपाद रुक के बोले, बट माई टेम्पल्स आर ऑल वृंदावन, मेरे जितने भी मंदिर है ये सारे वृंदावन है, दे आर ऑल वृंदावन। तो प्रभुपाद सेड दैट, तो हम जहां सेवा करते हैं जिस मंदिर में वही वृंदावन है हमारे लिए। अमेजिंग। तो दर्शकों इसके साथ हम बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन आंसर राउंड की तरफ। आपके जो भी प्रश्न है अब आप हमारे लाइव चैट में डाल सकते हैं और हम क्रमांक अनुसार आपके प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आप इस वीडियो का लिंक हम अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि आज के इस टॉपिक पे कोई भी लाइव क्वेश्चन पूछना चाहे वो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकता है। मैं आप सबसे ये भी विनती करूंगा कि बार बार आप अपने प्रश्नों को हमारे लाइव चैट पे ना डालिए, हम जितना हो सके जितने सारे क्वेश्चन हो सके हम देने की कोशिश करेंगे। तो हम बढ़ते हमारे पहले प्रश्न के साथ जो कि हमारे दर्शकों के पास से आ रहा है। वैभव जी की तरफ से पूछते हैं कि भगवान को भाव ग्राही जराधन बोलते हैं, तो क्या जब हम उनको मानसिक रूप से भोग ऑफर करते हैं तो क्या भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं, क्या एज सेम एज रियल में ऑफर करना? हरे कृष्णा, गुड क्वेश्चन वैभव जी। देखिए जब हमारे पास भगवान को भोग चढ़ाने की क्षमता नहीं है उस समय अगर हम मानसिक स्तर पर करें तो भगवान उसको स्वीकारते हैं। जैसे कि प्रतिष्ठानापुर में एक ब्राह्मण रहता था, वो ब्राह्मण जो है बहुत दरिद्र था, तो उसने क्या किया, क्योंकि मैं दरिद्र हूं मैं भगवान की सेवा कैसे कर सकता, तो मानसिक रूप में करूंगा। तो उसने क्या किया, जाके भिक्षा लेके एक पात्र लिया, भिक्षा लेके जो है कुछ गाय का दूध दोहन किया, दूध लेके आया, फिर भिक्षा लेके कुछ चावल लाया और फिर खीर बनाने लग गया। और उसके बाद जो है खीर पक गया, मतलब तो खीर पूरा पका हुआ था, उसको देखना था कि खीर थोड़ा ठंडा हुआ कि नहीं, क्योंकि थोड़ा ठंडा होने के बाद खीर अच्छा लगता है। तो उसने अपनी उंगली डाली देखने के लिए तो उसकी उंगली जल गई, हालांकि ये मानसिक रूप में हो रहा था लेकिन एक्चुअली उसकी उंगली जल गई। सो व्हाट इज दिस, तो भगवान ने एक्चुअली उनकी सेवा स्वीकारी, इसका संकेत है। और तुरंत भगवान वैकुंठपति हंस पड़े, अरे हंस पड़े, लक्ष्मी जी बोली भगवान क्या हो गया, व्हाट हैपेंड, बिना बात के कौन हंसता है, क्या हुआ, बोला एक भक्त जो था वो खीर बना रहा था मेरे लिए, उसका हाथ जल गया, मैं उसको लेके आ रहा हूँ। तो तुरंत वैकुंठ विमान भेज के उनको वापस लेके आए। तो समझ गए, वसुदेव को जब पता लगा कि कृष्ण प्राकट्य हो चुका है, कृष्ण का प्राकट्य हुआ, वे ढेर सारे ब्राह्मणों को जो है दान देना चाहते थे लेकिन वो कारागृह में बंद थे कम से कम, तो उन्होंने मानसिक रूप से ढेर सारे गाय जो है ब्राह्मण को अर्पित कर दी। तो समझ में आया, भगवान भावग्राही है, बिल्कुल भावग्राही है, लेकिन जब हमारे पास द्रव्य है और हम देना भी चाहते हैं लेकिन उस परिस्थिति इन दैट पर्टिकुलर टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस उस परिस्थिति में हम नहीं दे पा रहे हैं, तब भगवान हमारा भाव स्वीकारेंगे। वरना सब कुछ है, भगवान करोड़पति है, अरे भगवान मैं करोड़ आपको 1 करोड़ रुपए मन में दे रहा हूँ, ठीक है टेक इट, ये मन में 1 करोड़ रुपए ऑफर कर रहा हूँ, दैट इज नॉट, दैट इज ढोंग, उसको भाव ग्रह जनार्दन नहीं देंगे। वो भगवान जो है भाव को ग्रहण करते लेकिन उसका देने का भाव ही नहीं है, उनको सब कुछ अपने पास स्वार्थी है वो,
तो कहां का भाव है ग्रहण करने के लिए, समझ में आया? ठीक है, अमेजिंग। तो हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न हमारी ऑडियंस की तरफ से आ रहा है, मेघना पक्की जी की तरफ से पूछते हैं कि मैंने सुना है कि वृंदावन धाम इज नॉट अ प्लेस, इट्स आवर एटीट्यूड टू सी। हरी हरी, यस, धाम इज चेतना, वृंदावन धाम यानी कि वृंदावन की चेतना, व्रजवासियों की चेतना, एंड इट्स ऑल्सो अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस, ये जगह भी है, यस। लेकिन तिष्ठन रजित उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने एक्सप्लेन किया, तो थोड़ा रिवाइंड करके देखिए और डिटेल में समझाएं इसको, आगे बढ़ते हैं। तो मणिक हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है सुनंदा देवर जी की तरफ से, पूछते हैं कि इस्कॉन द्वारा प्रकाशित भागवतम कैसे पढ़े, इस पर कृपया मार्गदर्शन करें। हरी हरी, भागवतम पढ़ने के दूसरा स्कंद दसम अध्याय श्लोक क्रमांक 2, उसमें श्रुतेन अर्थेन अंजसा, तीन प्रकार से पढ़ना है। श्रुतेन यानी कि श्लोक पढ़ना है, अर्थेन यानी कि श्लोक प्रभुपाद का वर्ड टू वर्ड मीनिंग और ट्रांसलेशन ये पढ़ना है, और तीसरा अंजसा यानी कि श्लोक प्रभुपाद का तात्पर्य। हाल ही में हमारा ब्रह्मचारी क्लास हो रहा था, उसमें मेरे शिक्षा गुरु बता रहे थे श्रीमान राधेश्याम प्रभु कि एक भक्त जो है प्रभुपाद के पास गया और बोला प्रभुपाद आपका भागवतम बहुत बड़ा है, तो मैंने क्या कर दिया, स्टोरीज ऑफ भागवतम बोल के एक पुस्तक छाप दी ताकि कोई भी व्यक्ति आसानी से सारे स्टोरी जान जाएगा। प्रभुपाद उसको देखे बोले योर स्टोरीज आर यूजलेस, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आर माय पर्पस। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रभुपाद के तात्पर्य, यस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो कैसे पढ़े, पहली बात तो हमें तात्पर्य चाहिए। बहुत लोग जो है केवल अनुवाद पढ़ के बोल देते हमारा भागवत हो गया, दैट इज कंप्लीट चीटिंग। हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं अंजसा, श्रुतेन अर्थेन इज इंपॉर्टेंट, बट व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंजसा, श्रील प्रभुपाद के पर्पस, तात्पर्य, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये छूट गया तो गया आपका भागवतम, कुछ फायदे का नहीं। सो इस्कॉन द्वारा भागवतम अगर आप पढ़ना चाहते हैं क्रम अनुसार, तो पहले श्रवण कीजिए किसी वरिष्ठ वैष्णव से, वो सेक्शन जो सेक्शन हम पढ़ रहे हैं उसको श्रवण कीजिए, फिर जाके उसका अभ्यास कीजिए, आपको और गहराई से समझ में आएगा। तत्श्रुण्वन् सुपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्येन नरः, हियर एंड देन रीड। अगर हियरिंग कुछ मिल नहीं ना, नो प्रॉब्लम, जस्ट रीड। प्रभुपाद बोले आप पढ़ते रहो सब समझ में आ जाएगा। आपके कुछ प्रश्न है, देखिए प्रभुपाद के तात्पर्य ऐसे लिखे गए प्रश्न है कुछ, भले वो अगले कैंटो में मिले या अगले चैप्टर में मिले या अगले श्लोक में मिले, अगले पैराग्राफ में मिले, अगले लाइन में मिले या उसी लाइन में मिल जाए, आपके प्रश्नों को उत्तर मिल जाएगा। पढ़ते रहिए, न ही समझ में आ रहा तो भी पढ़ते रहिए, प्रभुपाद बोले भागवतम की इतनी शक्ति है, खुद ब खुद सब समझ में आ जाएगा। लेकिन एक चीज करनी है हमको, नित्यम भागवत सेवया, प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम देख के उसको पढ़ना है, अपनी क्षमता के अनुसार, अपना टाइम और अपना स्पीड। आप बस, हमें खत्म नहीं करना है, हमें बस श्रीमद् भागवतम को सेवा करना है, एंड यू विल सी वंडर्स विल हैपन, बहुत अच्छे से आप पढ़ लेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण, अमेजिंग। तो बढ़िए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है साक्षी जी की तरफ से, पूछते हैं कि व्हाई साउथ डायरेक्शन इज कंसीडर्ड एज इट इनऑस्पिशियस, इज इट हार्म इफ आई स्टडी और ईट फेसिंग साउथ डायरेक्शन। या इट हैज कनेक्शन विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, अर्थ का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसके अनुसार ऐसा कहा जाता है कि ना ओनली साउथ डायरेक्शन फेस करके इट ब्रिंग्स इनऑस्पिशियसनेस डिसीजेस एक्सेट्रा, सो दैट इज द कनेक्शन व्हाट आई हर्ड, यस, इट्स बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ साउथ इज कंसिडर्ड इनऑस्पिशियस, बट नेवर माइंड। आप जहां भी है एक चीज इंश्योर कीजिए, आपके गुरु का, श्री प्रभुपाद जी का, भगवान का अल्टर का फोटो लगाइए, प्रार्थना कीजिए कि मैं इनके प्रसन्नता के लिए पढ़ रही हूँ, इस प्रार्थना से पढ़िए, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। तो बढ़िया, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है उत्कर्ष जी की तरफ से, पूछते कि यदि वास्तव में इन स्थानों में दैवीय शक्ति है तो मुगल शासकों ने मंदिरों को कैसे नष्ट किया। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है इन्होंने। अगर हम वृंदावन जाते हैं, बहुत सारी ऐसी जगहों पे जाते हैं, हम देखते हैं वहां पे कि मुगल शासकों ने इन मंदिरों को, और काफी सारी वृंदावन की डीटीज जयपुर में शिफ्ट है इसी की वजह से कि मुगल शासकों ने वहां आक्रमण किया, तो अगर यहां पे ऐसी दैविक शक्तियां हैं जैसे कि आज हमने निधिवन के बारे में बात की, तो भगवान ने कैसे अलाउ किया कि इस तरीके से यहाँ पे इतना सब हो जाए।
एक बार एक विद्यार्थी अपने पेपर दे रहा था, जस्ट अ स्टोरी क्रिएटेड बाय सनातन धर्मदास, ठीक है, मैंने बनाई स्टोरी, सुनना चाहेंगे मेरी स्टोरी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई मेड द स्टोरी, आई कुक्ड इट अप राइट नाउ, अभी बनाई, बनी बनाई स्टोरी सुना रहा हूँ उत्कर्ष जी। एक स्टूडेंट एग्जाम लिख रहा था और एग्जाम लिखते समय जो है वो वॉच, एनालॉग वॉच होता ना, और ये बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था, उसका 10 मार्क का क्वेश्चन छूट रहा था और पेपर छूटने के लिए, देखिए वो स्कूल बहुत स्ट्रिक्ट था, वो स्कूल क्या करता है जैसे ही खत्म पेपर स्नैच कर देते हैं टाइम के साथ, जस्ट स्नैच द पेपर एंड गो, कोई रहम नहीं, कोई भीख नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, एक मिनट कुछ नहीं मिलता, सीधा निकाल के दे विल गो अवे, दैट्स इट, नो ग्रेस टाइम, जरा भी दया की भीख नहीं मांग सकते आप। तो जब उसको लगा कि एक मिनट ही बाकी है, उसने क्या कर दिया, इस व्यक्ति ने, इस स्टूडेंट ने जाकर वॉच निकाला और वॉच को तोड़ दिया, बोला यस मैंने समय को नष्ट कर दिया है, मैंने समय को नष्ट कर दिया, अभी मैं पेपर जितने समय चाहिए उतना लिख सकता हूँ, बिकॉज आई डिस्ट्रॉयड टाइम। इज ही इंटेलिजेंट और फूल? फूल, थैंक यू सो मच। वो एक नंबर का मूर्ख है, क्योंकि वॉच को तोड़ने से समय नष्ट नहीं होता। उसी प्रकार से अगर आप विग्रहों को भी नष्ट करते हैं, ऐसे किया बहुत शासकों ने, तभी आप भगवान को नष्ट नहीं कर सकते। इस प्रकार से घड़ी तोड़ के आप समय को नहीं नष्ट कर सकते, विग्रहों को तोड़ के आप भगवान को नहीं नष्ट कर सकते, भगवान शाश्वत है। हालांकि भगवान अर्च विग्रह के रूप में आते हैं, वो आते हैं हमारी भक्ति स्वीकारने के लिए, हमारी रक्षा में रहने के लिए, तुम मेरी रक्षा, मैं बच्चा हूं आपका, मेरी रक्षा करो। वो भगवत का प्रदर्शन नहीं करते, वो एक वात्सल्य प्राप्त करने के लिए हमारे पास आते हैं, कृपावश हमारी सेवा प्राप्त करने के लिए। तो उनकी रक्षा करना ये हमारा कर्तव्य है। और हमारे वैष्णव आचार्यों ने बहुत बार अगर आप नॉर्थ में ज्यादा करके देखेंगे तो बहुत सारे आक्रमण हुए थे, तो उन्होंने विग्रहों को स्थानांतरित कर दिए थे और एक दूसरी प्रतिभू मूर्ति स्थापित कर दी थी, प्रतिभू मूर्ति, प्रतिभू विग्रह। दक्षिण भारत में जो है वो अलग अलग प्रकार के, ऐसे उन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई कि जो आ रहा है नष्ट करने, वो खुद भ्रमित हो जाएगा, भाई असली किधर है, नकली किधर है। कुछ ऐसे टनल बनाए हुए हैं, ऐसे बहुत बार जो है उस मूर्ति को बचाते हुए जो है उस पर पर्दा डाल के और उसको छुपा करके दूसरी मूर्ति दिखा देते थे, उनको लगता था ये मूर्ति है, उसको नाश करके चले जाते थे। तो इस तरीके से भगवान की रक्षा कैसे करनी है, एक पिता माता का कर्तव्य होता है कि वो अपने बच्चों की रक्षा करें, उसी प्रकार से भक्तों और पुजारियों की कर्तव्य होता है कि वो भगवान को रक्षा करें विग्रहों का, इसलिए वो आते हैं। लेकिन जिस प्रकार से वॉच, तो ये स्टूडेंट ने वॉच तोड़ा, मेरा स्टोरी है, अच्छा लगा, स्टूडेंट ने वॉच तोड़ दिया, अभी मैं एग्जाम लिखूंगा, मेरे को कोई पेपर नहीं स्नैच कर सकता। आपको क्या लगता है, टीचर ने पेपर स्नैच नहीं किया, कर लिया भाई, तूने वॉच तोड़ा है, समय को नहीं, तो समय को तो नष्ट नहीं किया, वॉच को नष्ट किया। उसी प्रकार से विग्रहों को नष्ट करके भगवान का नष्ट नहीं कर सकते, ठीक है। यस, तो मणिया हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है रुचि ओझा जी की तरफ से, पूछिए कि थ्रू डिवोटीज वी कैन सी कृष्णा, सो मेनी थैंक्स टू यू, आई हैव सो मच इमोशंस ऑफ कृष्ण धाम, आई फील जब कृष्णा एंड गुरु विल गिव मी अपॉर्चुनिटी आई विल रीच देयर एंड आई विल नॉट बी एबल टू होल्ड माई इमोशंस, इज इट ओके टू क्राई इफ नॉट एबल टू कंट्रोल इन वृंदावन और इट्स अपराध। तो ये जानना चाहते हैं कि भगवान की कृपा से और गुरु की कृपा से जब भी इनको मौका मिलेगा ये जरूर धाम जाएंगी, बट ये वहां जाके अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाएंगी, तो क्या वृंदावन में जाके रोना एक अच्छी चीज है या एक अपराध है? प्लीज डोंट कंट्रोल इमोशंस, एक्सप्रेस इट, देयर इज नथिंग रॉन्ग। लेकिन उसी उसी टाइम पे हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि हमें सहजीय नहीं बनना है। एक सहजीय, हमेशा प्रभुपाद जी जो है अपने तात्पर्य में सहजीय के बारे में बताते हैं, जो केवल रोते रहते हैं धाम में और कुछ सेवा नहीं करते हैं, रोते रहते धाम में और मूवी में भी जाके रोएंगे, और जब इंडिया वर्ल्ड कप आता है तभी भी रोएंगे, यस, तो विषय वासना के लिए भी रोएंगे, कृष्ण के लिए भी रोएंगे, दिस सहजीय बिहेवियर। सो अगर हम लोग बहुत सारे इमोशंस, भक्ति भाव, हमारा पूरा आंदोलन क्या है, कृष्ण भावनामृत, तो कृष्ण के प्रति भावना व्यक्त करने के लिए हम लोग यहाँ पे हैं। लेकिन अभी जो हमारी भावना है वो दूषित भी है, उसमें भौतिक, वी हैव अ मटेरियल इमोशंस आल्सो, इट्स नॉट प्योरली स्पिरिचुअल इमोशंस, एक स्पिरिचुअल कंपोनेंट भी है, मटेरियल कंपोनेंट ज्यादा है। तो उस मटेरियल कंपोनेंट को प्यूरिफाई करने के लिए वी नीड फिलोसफी, उस आध्यात्मिक भावना को जागृत करने के लिए और भौतिक भावना का शुद्धिकरण करने के लिए, भावनाओं को ही शुद्धिकरण करना है, हमें सिद्धांत की आवश्यकता है।
तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद के लेक्चर, गुरुदेव के लेक्चर, श्रील प्रभुपाद की पुस्तक, ये सब पढ़ के सिद्धांत अच्छे से समझिए, फिर आपकी जो भावना व्यक्त होगी वो आध्यात्मिक भावना होंगी। यस, इट विल नॉट बी सेंटिमेंटल, इट विल बी हेल्दी सेंटिमेंट्स। ठीक है, तो बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है चेतना तुलसानी जी की तरफ से। ये पूछते हैं कि अगर हम चुपके से निधिवन में चुप जाएं तो देखने के लिए भगवान को तो क्या होगा? हरे कृष्णा, ये अगेन लोकप्रिय तथाकथित बातें हैं, आप देख नहीं पाएंगे। पहली बात तो आप रह नहीं पाएंगे, आपको निकाल देंगे वहां से। आप कैसे भी करके वहां रुक भी गए तो ऐसा बोला जाता है कि आप अपनी आंखें या फिर आपका मानसिक आपा खो बैठ सकते हैं। तो बेस्ट इज हमारे जो आचार्यगण ने हमें प्रिस्क्राइब किया हम वो करें, ऐसी जगह न रहे। और भगवान जो है इट्स अ फॉरेस्ट ऑफ स्लीप, उन्हें वहां पे अपना शयन करने दीजिए। आप जाके अपना शयन कीजिए ताकि अगले दिन आप मॉर्निंग प्रोग्राम कर सके। यस, हमें कुछ इन्वेंट नहीं करना है, वी शुड नॉट ट्राई न्यू आइडियाज। महाजनो ये न गता स पंत, फॉलो इन फुटस्टेप्स ऑफ द ग्रेट सोल्स, महाजन, यही चीज हमें करनी है। तो ऐसा कहा जाता है कि हमें भगवान को देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, हमें इतनी अच्छे से अपनी सेवा और भक्ति करनी चाहिए कि भगवान हमें देखना चाहें। तो हमारी योग्यता नहीं है, हम इन सब चीज़ों से शायद भगवान को देखने की एक अपने अंदर की इच्छा को जागृत करते हैं, बट उसकी कोई वैल्यू नहीं है अगर हम अपनी भक्ति और अपनी साधना में बहुत वीक हैं। अगर हम अपनी भक्ति और साधना में स्ट्रांग बनेंगे तो भगवान हमें स्वयं हमें देखना चाहेंगे और अपना दर्शन देंगे। और जैसे कि हम महाभारत में भी देखते हैं, जब कृष्ण ने अर्जुन को अपना असली रूप दिखाया था तो वो इतने क्वालिफाइड थे, दिव्य चक्षु थे जिससे वो कृष्ण को देख पाए। हम इन भौतिक आँखों से भगवान को नहीं देख सकते, तो अगर हम अपनी क्वालिफिकेशन से पहले ही कुछ करना चाहेंगे तो उसका नुकसान बहुत ज़्यादा होगा और हमें ऐसा नियम तोड़ के बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है नमिता पांडे जी की तरफ से। पूछते हैं कि क्या हम अपने लड्डू गोपाल के साथ ट्रैवल कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है इन्होंने। हम वृंदावन में देखते हैं कि कई माताएं अपनी लड्डू गोपाल के साथ ट्रैवल करती हैं और जब भी दर्शन लेती हैं तो विग्रहों को अपने लड्डू गोपाल के दर्शन भी करवाती हैं, तो क्या ये सही है? कहीं पे भी जहाँ पे भी आप ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ अपने लड्डू गोपाल को ले जाना, तो मैं चाहूंगा कि आप इसके बारे में बहुत अच्छे से बताइए। जी जी बिल्कुल, एक तरीके से श्रील प्रभुपाद ने हमें स्टैंडर्ड सिखाए हैं, क्योंकि एक बार क्या होता है, प्रभुपाद जी मंदिर गए थे, जगन्नाथ जी की तेटी स्थापित किए थे और प्रभुपाद बताए कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा इतने करुणामय हैं कि जो लोग उनको दर्शन दे करने नहीं आते वो बाहर जाते हैं। तो अगले दिन प्रभुपाद जी आए मंदिर में, देखा अरे विग्रह मिसिंग है, तो भक्त लोग वापिस आए विग्रहों के साथ, बोला कि हम बीच घुमाने लेके गए थे जगन्नाथ जी को। प्रभुपाद ने बोला नहीं नहीं ऐसे घुमाते नहीं, एक बार प्रस्थापित किया जाए डीटीज, वी डोंट मूव देम अननेसेसरली। यस यस, विग्रहों की भी मंदिर की उत्सव विग्रह जो होते हैं उनकी शोभा यात्रा होती है जहाँ पे वो पूरे मंदिर का भ्रमण करते हैं ब्रह्मोत्सव के दिवस पर। अदर वी शुड नॉट टेक, दिस इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड फ्रॉम माय सीनियर्स एज वेल एज व्हाट प्रभुपाद हैज टॉट, हम लोग ऐसे लेके घुमा नहीं करते, इट इज नॉट करेक्ट। एक बार प्रस्थापित किया जाए तो उनकी प्रस्थापना होनी चाहिए। बहुत बार भक्तों को ये चिंता होती है कि चलो हम लोग चले दर्शन के लिए जाएँ तो धाम वगैरह दर्शन के लिए जाए तो विग्रहों का क्या होगा? यस, तो विग्रहों का सेवा का क्या? ऐसी प्रकार से हमें जो है चिंता हो सकती है। देखिए इन सब केसेस में हम लोग विग्रहों की सेवा का प्रबंध कर सकते हैं, वी कैन ट्राई टू मेक सम अरेंजमेंट्स फॉर देम टू बी सर्व्ड, टेकिंग हेल्प ऑफ अदर डिवोटीज जो पास में हैं उनके हेल्प से विग्रहों को जो है किसी और भक्त के घर में निवास करा सकते हैं और उनकी सेवा कंटिन्यू कीजिए जो दर्शन धाम नहीं जा रहे हैं, ऐसे दैट वे देयर सर्विस विल कंटिन्यू। और जब हम वापिस आने तो वी गेट बैक आवर ड्यूटीज, बट वी डोंट टेक लाइक दिस इन रोम, वी डोंट सी डिवोटीज रोमिंग लाइक दिस। कि हमारे आचार्य क्या ऐसे ड्यूटीज लेके घूमते थे? नहीं, जब भी उनको आचार्य को मिले, अभी सनातन गोस्वामी को जाके चौबेन जी से मदन गोपाल मिले, ऐसे नहीं कि वो मदन गोपाल जब जहाँ जाऊँगा मदन गोपाल को लेके घूमूंगा, चाहे माधवेंद्रपुरी को जो है गोपाल जी मिले तो गोपाल जी को लेके, हम चलो गोपाल जी चंदन यात्रा जाना है तुम भी चलो मेरे साथ, लेके घूम गए। That's not what we see. उनकी प्रस्तावना की, एक बार उनको प्रस्तापित किया तो फिर उनको घुमाते हुए नहीं लेके गया। Yes, आपातकालीन स्थिति में आगे चल के गोपाल जी आगे बढ़ के नाथ द्वारा चले गए, वो एक है। साक्षी गोपाल जी खुद चल के गए माधव के पीछे और जाके जगन्नाथपुरी में बस गए, वो अलग बात है।
लेकिन वी डोंट सी एनी आचार्य जो प्रस्तापित किए हुए, यानी कि प्राण प्रतिष्ठित जो हो गए एक बार प्रतिष्ठित, अभी प्रेम प्रतिष्ठित ओके उनकी सेवा कर रहे हैं, इज कृष्ण। वी डोंट टेक लाइक दिस इन रोम, नो, वी गिव इट, उनको जो है किसी और घर में दीजिए जहां पे उनकी अच्छी से सेवा हो सके, ऐसा करके आप धाम दर्शन के लिए आ सकते, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से प्रभु जी ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठित या प्रेम प्रतिष्ठित डीटीज को कभी भी ऐसे ट्रैवल नहीं करना चाहिए। तो जनरली जब हम भी ऐसे ट्रैवल करते हैं और हमारे पास ऐसी सुविधा नहीं होती कि हम किसी और भक्त के घर उनको सेवा के लिए रोक सके, तो हम उनको शयन करा के उनके लिए ड्राई फ्रूट्स का भोग रख के हम यात्रा में जाते हैं, जिससे कि उनकी सेवा में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। यस प्रभु जी, आपको चैट करना। जेरार महाराजास जो उनके गिरिराज शीलास लेके ट्रैवल करते हैं, सीन कुछ महाराज अपने विग्रह भी लेके ट्रैवल करते हैं, लेकिन ऐसे घूमते नहीं है मंदिर उधर घूमते नहीं, नहीं जिस कक्ष में रहे हैं उस कक्ष में उनको प्रस्तापित करके उनकी सेवा करते हैं। Correct. In the rooms, I've seen that, but not taking around and rooming in baskets. ऐसे देख के मुझे बहुत दुख होता है। It's very sentimental. आचार्यगण ये नहीं सिखाते। Yes, yes. पालकी के और बैठ करके कभी कभी भगवान को लेके आ जाए आया आ सकते हैं पालकी में। कुछ लोग गौर निताय को पालकी में लेके आते हैं, सीन दैट इज ओके। गौर निताय वो क्या कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, गौर निताय विग्रह जाके कीर्तन कर रहे हैं, दैट्स परफेक्टली फाइन। वो दोनों एक्चुअली जब संकीर्तन होता है, हाल ही में हम श्रवण कर रहे थे, तो गौर और निताय ये दो संकीर्तन कर रहे हैं और हम उनके अनुयायी हैं, अनुचर है, वी आर देयर फॉलोअर्स। वो कीर्तन कर रहे हैं, वही नाच रहे हैं, हम उनके पीछे पीछे उनके दास के रूप में कीर्तन कर रहे हैं। तो दे कैन ब्रिंग, बट इट्स नॉट दैट बास्केट में लेके चलो अभी किधर शॉपिंग मॉल, चलो शॉपिंग मॉल, चलो चलो अभी किधर, अभी खाने के लिए रेस्टोरेंट में बैठ के खाओ, तुम क्या खाओगे, चलो मक्खन खाओगे, चलो। और एक लड़का तो मक्खन मिश्री लेके अंदर ठूस रहा है। मैं बोला ऐसे नहीं भोग लगाते हैं, बोला वो नाराज हो जाएगा अगर ऐसे नहीं ठूसेंगे तो। लाइक यू शुड नॉट हैव सेंटिमेंटल आइडियाज लाइक दिस। तो अगर एब्सोल्युटली हम किसी के घर में सेवा नहीं दे पा रहे हैं, वी नॉट एबल टू सी, देन वी कैन कैरी देम वेरी रेस्पेक्टफुली और कक्ष में रख के उनकी सेवा कर सकते हैं, ठीक है, वी कैन डू दैट, बट वी डोंट रोम अराउंड सेंटिमेंटली इन बास्केट। तो बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है सुधा तिवारी जी की तरफ से, पूछते कि प्रभु जी मैं वृंदावन जाता हूँ पर मेरे मन अपने घर पर लगा रहता है, मेरी माँ मेरे से भक्ति के लिटरली कहती रहती है, भक्ति कर कहते रहती है, क्या भक्ति कर कहती रहती, तो ये जानना चाहते हैं कभी जब ये वृंदावन जाते हैं तो उनकी कॉन्शियसनेस इनका मन इनके घर पे लगा रहता है, तो इन्हें क्या करना चाहिए। यस, डू नॉट वरी, प्रार्थना करो कि जब आप घर पे जाए तो वृंदावन की मैं मन छोड़ के आऊं, यू लीव योर हार्ट देयर, दैट्स द राइट थिंग। कि आप घर पे जाते हैं तो वृंदावन याद आने चाहिए आपको, यू हैव टू रिवर्स इट, नाउ यू अंडरस्टैंड। एक बार सुधा जी समझ गई है कि मेरी चेतना कहाँ है, मैं बहुत भौतिक चेतना में, अभी हमको चेतना रिवर्स करनी है, उल्टा घर जाने के बाद सिर्फ वृंदावन याद आना चाहिए, और बाद में वी शुड ओनली कीप थिंकिंग व्हेन विल आई गो बैक, ऐसा कब आएगा, व्हेन विल दैट कॉन्शियसनेस कम, कब हमें बोलो से दिन अमार, कब आएगा वो? वो तब आएगा जब हमने वास्तविक रूप में वृंदावन धाम की महिमा श्रवण की है, वृंदावन में जाके प्रार्थना की है भगवान को कि भगवान हमारा आप हरि हो, हर लो मेरा मन, खास करके मदन मोहन जी जो हमारे संबंध विग्रह हैं और सनातन गोस्वामी जो हमारे संबंध आचार्य, उनसे जाके प्रार्थना करना चाहिए। मदन मोहन जी इवन परिक्रमा मार्ग में फर्स्ट टेम्पल वी विजिट इज मदन मोहन जी, वहां जाके बोल दीजिए देखिए हम मदन से आ सकते हैं, लेकिन आप मदन मोहन को मदन को भी मोहित कर देते हैं, तो कृपा करके हमें इस मदन से छुटकारा देके आपकी ओर आते हैं। एंड इज द लीडर मदन मोहन जो है वहां के लीडर है, उनका धाम है वो, उनसे जाके प्रार्थना करो कि मेरा हार्ट रख लीजिए आप प्लीज मदन मोहन, हर लीजिए मेरा मन। और हमारे जो संबंध आचार्य है सनातन गोस्वामी, उनसे भी जाके प्रार्थना कीजिए कि मेरा संबंध वृंदावन से हो जाए, मेरा संबंध मदन मोहन से हो जाए। एक बार वो संबंध प्रस्थापित हो गया, जयताम सुरतो पंगो मम मंद मतिर गति मत सर्वस्व पदाम भोजो राधा मदन मोहन, एक बार वो फिक्स हो गया उसके बाद यू विल नॉट टर्न बैक। वो संबंध स्थापित होने के बाद तो आप बिल्कुल, लोग टी शर्ट पहन के गुनते हैं लॉस्ट माय हार्ट इन वृंदावन, यू विल एक्चुअली लूज योर हार्ट इन वृंदावन। मदन मोहन लाल की जय। तो बढ़िया, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ज्योतिर्मय पत्रो जी की तरफ से, पूछते कि आई फ्रीक्वेंटली हियर दैट लॉर्ड कृष्णा विल बी कमिंग ड्यूरिंग द एंड ऑफ कलयुगा एज कल्कि अवतार,
what's the truth behind it? For how many more years we have to see wrong, cruel in this world? जाना चाहते कि ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण स्वयं कलयुग के अंत में कल के अवतार में आएंगे. कब आएंगे? कितने साल रह गए जब तक हमें ये क्रूअल इस निर्दयी समाज को देखना पड़ेगा? यस यस, देखिए ये सारी घटनाएं जो है घटनाक्रम अगर हम देखेंगे श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में हम लोग ये चीज जान सकते हैं. आई एम जस्ट टेकिंग आउट दिस सेक्शन आल्सो क्लियरली, आपको वो रेफरेंस भी दे दूंगा रेफरेंस देने के लिए. यस, तो आप श्रीमद् भागवतम सेकेंड 12th canto, 2nd chapter, 23rd verse पढ़ सकते हैं. वहां पे कल्कि के आविर्भाव के बारे में बोला गया है. प्लस अगर ये चैप्टर में आगे जाएंगे तो कल्कि अवतार किस रूप से आकर के क्या कार्य करेंगे, कौन से जगह वो, I'll give you the exact reference, huh? Just one minute. Yes, ये फुल 12th canto, 2nd chapter. जैसे सिम्टम्स ऑफ कलयुग आगे चल के कल के अवतार कैसे आते हैं उनके बारे में पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन है. उनके पिता कौन होंगे, वो किधर प्रकट होंगे, यस, और कब आएंगे, इस आफ्टर 4,27,000 ईयर्स. और ये कलयुग का फुल लाइफ टाइम इज 4,32,000 ईयर्स. आई गिव यू रेफरेंस 12th canto, 2nd chapter, 23rd verse. वहां पे जो है कल्कि के आविर्भाव के बारे में बताया गया है. दिस इज स्पोकन. सो हाउ मेनी मोर ईयर्स, डोंट वरी. देखिए हमारे पास दिस लेफ्ट ओवर 500 ईयर्स और ओवर 9,500 ईयर मोर इज गोल्डन पीरियड. ये हमारे लिए बहुत ही इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. हमारे लिए बहुत अच्छा सुअवसर है जब हम भगवत धाम जा सकते हैं और खास करके चैतन्य महाप्रभु की कृपा पूरी अवेलेबल है. तो अभी प्रभुपाद बोले व्हाट इज अ सीरियस डिवोटी, गंभीर भक्त वो है हु कैन मेक इट बैक टू गॉड इन वन लाइफ. तो इसी जन्म में हमें भगवत धाम लौटना है. नो टाइम पास, वी हैव टू गेट बैक इन दिस लाइफ टाइम, राइट. हरे कृष्ण, जय. तो बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है गौरिका धूपर जी की तरफ से. पूछते हैं कि व्हाट शुड बी आवर न्यू ईयर रेजोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ भक्ति. भक्ति के लिए हमारी न्यू ईयर की रेजोल्यूशन क्या होनी चाहिए? हरी हरी. न्यू ईयर रेजोल्यूशन के कुछ सुझाव हम एक्चुअली मैं और विप्लव प्रो डिस्कस कर रहे थे. 2024 आ गया, कुछ करे क्या, शुड बी हैव सम रेजोल्यूशन टॉपिक. मुझे पता था कोई ना कोई तो ये टॉपिक उठाएगा ही. सो वेरी गुड. सो कुछ न्यू ईयर रेजोल्यूशंस वी हैव टू डू. ऑल वी हैव टू डू इज जस्ट भक्ति और गंभीरता से करें. कैसे? हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं. कितना जप कर रहे हैं? कैन वी स्टार्ट 16 राउंड्स दिस ईयर? 16 राउंड्स. अगर हम चार नियम पालन नहीं कर रहे तो चार नियम पालन करने का प्रारंभ करेंगे न्यू ईयर रेजोल्यूशन अब से करेंगे. फिर 16 माला अगर हम कर रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ के नाम जप करेंगे. यू कैन टेक दैट रेजोल्यूशन. प्रतिदिन श्रील प्रभुपाद की पुस्तिका को 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, एक घंटा, जितना हमारी क्षमता के अनुसार रोज पढ़ेंगे. हमारे गुरु महाराज अथवा श्रील प्रभुपाद की वाणी जो है प्रत्येक दिवस एक प्रवचन या कम से कम आधा घंटा, आधा एक घंटा करेंगे. वी कैन डिस्ट्रीब्यूट सर्टन नंबर ऑफ बुक्स. श्रील प्रभुपाद की कुछ सर्टन नंबर, फिक्स नंबर ऑफ पुस्तिका हम लोग वितरण करेंगे. वी कैन टेक दैट रेजोल्यूशन. प्रत्येक महीना एक हमारे मित्र को मंदिर से कनेक्ट कराएंगे. रेजोल्यूशन प्रचार के लिए, साधना के लिए ढेर सारे आप रेजोल्यूशंस ले सकते हैं. आई जस्ट गिव यू डायरेक्शन. यस, ऑल द वेरी बेस्ट. अमेजिंग. तो हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है सौरभ रावल जी की तरफ से. पूछे कि निधिवन के मंदिर में मंगल आरती के समय सारा सामान बिखरा हुआ दर्शन होता है, कृपया करके ये लीला के बारे में कुछ बताइए. हरे कृष्णा. सारा सामान बिखरने वाले लीला, आई विल बी वेरी क्लियर विथ यू ऑल. देखिए मैंने पूरा प्रभुपाद जी का फोलियोज वेदा बेस, जो हम नॉर्मली वही कह पाते जो श्रील प्रभुपाद ने हमें बताया है, मैंने पूरा छानबीन किया. निधिवन के बारे में दो ही हमें हिट्स मिले. एक तो उनका एजोट्रिक नेचर उनका और सेवा कुंज का, और दूसरा चीज कि यहाँ भगवान शयन करते हैं. यस, ही टेक्स रेस्ट ओवर हियर. एंड रेस्ट करने के बाद जिस तरीके से इन वन सेंस चीज़ें बिक्री होती है, दैट मे बी प्रॉब्ली अ रीजन. तो जितना हमें नॉलेज मिला है उस नॉलेज के बियॉन्ड तो हम बात नहीं कर सकते हैं. वी कैन नॉट टॉक बियॉन्ड दैट द परंपरा. तो मेरे पास ना, मैं साक्षात्कारी व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन एक चीज़ डेफिनेटली इट मे बी दैट भगवान वहाँ शयन करते हैं. शयन करने के बाद चीज़ें बिखर सकती है, दैट कैन गो. वी नेवर नो द रीजन. ये तथाकथित है, वास्तविक सत्य है, वी डू नॉट नो. यस, कौन बिखराता है ये चीज़, क्या वो लीला है,
जितना हमें इंफॉर्मेशन मिला है शास्त्रों में, पद्म पुराण में है इसके बारे में वर्णन, उतना हम बता सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है खुशबू भगदा जी की तरफ से, पूछते हैं कि विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस टू विजिट इन वृंदावन। अगर आप वृंदावन, देखिए चार धाम है, वृंदावन, गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना, ये चार धाम की यात्रा है व्रजमंडल में। अगर आप खास करके वृंदावन में बोलेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर अस, श्रील प्रभुपाद के इंट्रोडक्शन चैतन्य चरितामृत बताते हैं, इस मदन मोहन टेम्पल, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले तो इस्कॉन कृष्ण बलराम टेम्पल, वी आर प्रभुपाद फॉलोअर्स फर्स्ट, वो हमारा घर है, दैट इज द मोस्ट, विदाउट सेइंग, कहने की भी नहीं इच्छा है, कहने की जरूरत भी नहीं है, यू हैव टू गो टू इस्कॉन वृंदावन बिकॉज दैट्स व्हाट प्रभुपाद गेव अस, वो हम सबका घर है। प्रभुपाद जी वृंदावन को अपना घर मानते थे, वो जुहू को अपना ऑफिस और मायापुर को अपना भजन कुटीर, तो प्रभुपाद का घर हमारा घर, हम सब प्रभुपाद के ही पोते और पोतियां हैं, वी आर हिज ग्रैंड चिल्ड्रन, सो वो हमारा पहला जीरोथ प्लेस वी हैव टू विजिट फर्स्ट, उधर जाके माता टेक के आगे बढ़ना है, प्रभुपाद जी की कृपा के बिना, प्रभुपाद ने हम सबको वृंदावन दिया, राइट। और उसके बाद जो है मदन मोहन, ये के साथ हमें संबंध बनाना है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर अस, दिस इज माय ओपिनियन इन वृंदावन धाम। तो बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है सत्यम कुमार जी की तरफ से, पूछते हैं कि देयर वाज अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू गो टू आवर नियरेस्ट इस्कॉन टेंपल एंड गॉट अ कॉन्शियसनेस जस्ट लाइक वृंदावन, बट बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर आई एम नॉट एबल टू गो नाउ, व्हाट टू डू नाउ। तो ये जानना चाहते हैं कि एक समय था कि ये अपने पास के इस्कॉन मंदिर में जाते थे और वहां उन्हें वृंदावन जैसी फीलिंग मिलती थी, बट अब ये नहीं जा पाते अपने पारिवारिक प्रेशर की वजह से, तो इन्हें अब क्या करना चाहिए। हरे कृष्णा, अब जरूर जिस प्रकार से आप ऑनलाइन रूप से श्रवण के माध्यम से आप वृंदावन की चेतना जागृत कर सकते हैं, राइट, भले आप मंदिर में जाके विग्रहों का दर्शन नहीं कर पा रहे, फिजिकली भक्तों से नहीं मिल पा रहे, कोई बात नहीं, आप तो ऑनलाइन अभी आपको प्रोग्राम देखना तो कोई पाबंदी नहीं है, तो इस प्रकार से श्रवण करके आप आगे बढ़िए और भगवान से, अब जब भी कर रहे हैं आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान मुझे आपकी सेवा करनी है, बस मुझे सेवा का मार्ग दिखाइए, और भगवान आपको सेवा का मार्ग दे देंगे और उस सेवा से आप पुनः वृंदावन को प्राप्त कर सकते हैं। अमेजिंग। तो बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है शुभ जी की तरफ से, पूछते हैं कि हाउ टू आस्क फॉरगिवनेस फॉर धाम अपराध दैट अनइंटेंशनली हैपेंड ड्यू टू क्लैशेस इन ओपिनियन विद डिवोटीज। इट वाजंट माय इंटेंशन बट अनफॉर्चुनेटली व्हाइल बीइंग कॉन्शियस दैट हैपेंड। तो जानना चाहते हैं कि कई बार हम गलती से कुछ धाम अपराध कर लेते हैं क्योंकि हम किसी भक्त की विचार से सहमत नहीं होते, इन्होंने जानबूझ के नहीं किया और गलती से हो गया, तो नहीं ये फॉरगिवनेस इसके बारे में किस तरीके से माफी मांग सकते हैं। श्रीमद् भागवतम 4:38 चौथा स्कंद तीसवा अध्याय आठवा श्लोक, वरम वृणीद्वम भद्रम वो यूयम मे नृपनंदन सौहार्दे पृथक धर्म तुष्टो हम सौहृदे न। ये भगवान प्रचेत को कहते हैं ये सेक्शन, उसका पर्पोट पढ़िए, रीड द पर्पोट। उस पर्पट में भगवान जी बताते हैं कि भक्तों को कोऑपरेशन के साथ जीना चाहिए, लेकिन कभी कभी भक्तों में भी मतभेद हो सकता है, लेकिन वो मतभेद भी आध्यात्मिक है क्योंकि दोनों कृष्ण और गुरु को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो दैट इज ऑल्सो स्पिरिचुअल, राइट। बट एनीवेज उस स्पिरिचुअल के दौरान अगर हमारी चेतना ईर्ष्या से भर गई हो, क्रोध से भर गई हो, इस प्रकार के गलत कामनाओं से भर गई हो, वी शुड डेफिनेटली गो, जिनके साथ क्लैश हुआ है, मनमुटाव हुआ है, उनके चरणों पे गिर के हम क्षमा याचना मांग सकते हैं। ऑल्दो इट इज नॉट अनइंटेंशनल बट इट इज अनफॉर्चुनेट, इट हैपेंड, राइट, इट वाज कॉन्शियस, तो जाके क्षमा मांग लीजिए, इट इज ऑल राइट। ठीक है, एक बहुत ही वरिष्ठ भक्त ने पढ़ी है, यस, या मुझे एक बहुत ही वरिष्ठ भक्त ने एक बहुत प्यारी सी लाइन कही थी जो मैं आपको इस संदर्भ में बताना चाहूंगा कि इन जस्टिस एंड मर्सी यू कैन ओनली गेट वन। जब भी आपके जीवन में कभी भी किसी के साथ भी मन मुटाव हो तो एक चीज़ याद रखिएगा, या तो आपको इंसाफ मिलेगा या तो आपको भगवान की मर्सी मिलेगी, दोनों में से एक ही चीज़ मिल सकती है, आपकी मर्जी है कि आपको उस वक्त किस चीज़ की तरफ जाना है। तो अगर, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हर वक्त सही होके भी आपको कुछ नहीं मिलता, बट हाँ कई बार हमारी प्योरिफिकेशन के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हमारे जीवन में होती हैं, तो मैं हमेशा यही लाइन याद रखता हूँ कि या तो जस्टिस या तो मर्सी, तो दोनों में से चयन आपको अपने हिसाब से करना है।
तो हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है मिनी धवन जी की तरफ से। पूछते हैं कि हर समय मन को भगवान के नाम में कैसे लगाएं, जबकि हमारे आसपास के कुछ नेगेटिव और सेल्फिश लोग हमारे माइंड को डिस्टर्ब करते हैं। मिनी जी, हम लोग अभी भी कीर्तनीय सदाहरि के स्तर पर नहीं है। देखिए, ऐसा बोला गया, त्रिनाद अपि शुनीचे न तरोर अपि सहिष्णु ना अमानि न मान देना कीर्तनीय सदाहरि। जब हम लोग घास के तिनके से भी ज्यादा नम्र बनेंगे, एक वृक्ष तरोर अपि सहिष्णु नाम तरु यानी कि एक वृक्ष से भी ज्यादा सहिष्णु बनेंगे और अमानि न मान देना दूसरों को सम्मान देंगे और खुद कोई मान की अपेक्षा नहीं करेंगे, तभी हम कीर्तनीय सदाहरि कर सकते हैं। दैट इज द ओनली टाइम वी कैन ऑलवेज चैन। लेकिन ये एस्पिरेशन जो है आपकी बहुत अच्छी है, ये गुड एस्पिरेशन सही है। भगवान भी भगवद गीता में कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़ व्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। दैट्स अ राइट एस्पिरेशन। लेकिन अभी हम उस स्तर पे नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम ले सके, इसीलिए हमें भागवत श्रवण करना चाहिए और सेवा करनी चाहिए। यू हैव टू हियर चैंट एंड ऑल्सो डू सम सर्विसेस, प्रैक्टिकल सर्विस, जो कि हमें नम्र बनाएंगी, सहिष्णु बनाएंगी, अमानी न और मान देना करेगी, फिर हम कीर्तन सदाहरि कर पाएंगे। सो टेक सम प्रैक्टिकल सर्विसेज एंड एब्जॉर्ब योर एंटायर एनर्जी इन दैट पॉजिटिविटी, फिर नेगेटिव लोगों का इन्फ्लुएंस मैटर नहीं करेगा। ओके, तो बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है मनमत साहू जी की तरफ से। पूछते हैं कि बेस्ट बुक टू रीड बाय श्रील प्रभुपाद एंड प्रॉपर वे ऑफ रीड भगवत गीता। तो ये जानना चाहते हैं कि सबसे अच्छी बुक कौन सी है जो प्रभुपाद की पढ़ सकते हैं और भगवत गीता को पढ़ने का सही तरीका क्या है। ओके, गुड क्वेश्चन। अभी बेस्ट बुक क्या बोलूंगा, ऑल बुक्स आर बेस्ट। कोई भी बुक ऐसा बोल नहीं सकते कि दिस इज नॉट यू नो गुड, एवरी बुक इज अ मास्टरपीस जो प्रभुपाद ने। लेकिन मेरा फेवरेट सीरीज इज भागवतम एंड चैतन्य चरितामृत एंड एनओडी एंड गीता एंड एसएसआर एंड टीचिंग्स ऑफ एवरीथिंग। कम ऑन, हो ही नहीं सकता, फर्स्ट बेस्ट नहीं। एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड, एवरीथिंग स्टार्ट्स विद बेस्ट। सो बट व्हाट इज बेस्ट टू रीड, मैं प्रॉपर वे बताऊंगा आपको। देखिए, मैंने भी भगवदगीता 3 बार पढ़ी थी भक्तों से मिलने से पहले। लेकिन जब मैंने स्मॉल बुक्स पहले पढ़ी, आई रेड द स्मॉल बुक्स जो ऑन द वे टू कृष्णा, एलिवेशन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, परफेक्शन टू योगा, कृष्णा कॉन्शियसनेस द टॉप मोस्ट सिस्टम, एज ए पाथ ऑफ परफेक्शन, ऐसे स्मॉल बुक्स पढ़ते पढ़ते जब भगवदगीता पे पहुंचा, आई कुड गेट मच डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ भगवदगीता। तो फर्स्ट रीड स्मॉल बुक्स एंड देन रीड भगवदगीता। अगर वॉट इज प्रॉपर वे ऑफ रीडिंग, अगर आप स्मॉल बुक्स हो चुके आपके, तो भगवदगीता कैसे पढ़नी है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको पहले क्या कीजिए, पहले सारे ट्रांसलेशन पढ़ दीजिए, उसके बाद एक फ्लो आपको याद आएगा, फिर देन स्टार्ट विथ श्लोका ट्रांसलेशन परपोर्ट। ऐसे करके आप एक चैप्टर के सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए तो आपको एक फ्लो दिमाग में आ जाएगा, अच्छा चाहिए दिस इज द फ्लो ऑफ द चैप्टर। उसके बाद एक एक वर्ड का अर्थ समझने के लिए आप ट्रांसलेशन परपोर्ट पढ़िए। ठीक है, तो बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है रवि वैद्य जी की तरफ से। ये पूछते हैं कि जैसे हम अपने सुपीरियर को नाम से नहीं बुलाते, जैसे माता पिता गुरु टीचर सर एक्सेट्रा, बट कृष्णा इज सुप्रीम लॉर्ड, वी टेक कृष्णाज नेम डायरेक्टली, वाओ इज इट करेक्ट, प्लीज हेल्प अस टू अंडरस्टैंड। वेरी नाइस एंड इनोसेंट क्वेश्चन। ये जानना चाहते हैं कि जैसे हम सुपीरियर लोगों को उनके नाम से नहीं बुलाते, हम अपने गुरु माता पिता किसी का भी नाम नहीं लेते, हम कृष्णा का तो नाम ले रहे हैं, वो तो सबसे सुपीरियर है, तो हमें इसे किस तरह समझना चाहिए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने बोला है उनका नाम लेने के लिए। हम लॉजिक नहीं लगा रहे यहाँ पे, हम जो भगवान को प्रसन्न करते हैं वो कर रहे हैं, बराबर। सी देखिए, नॉर्मली किसी बड़े इंसान को अपना नाम से बुलाएंगे तो इंसल्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या प्रसन्न करना है, लोगों को प्रसन्न नहीं करना, भगवान को प्रसन्न करना है। और भगवान का नाम लेना किसने बताया हमको, भगवान नहीं बताया, तो क्योंकि भगवान बोल रहे मेरा नाम लो इसलिए हम उनका नाम ले रहे हैं, हरे कृष्ण। वेरी सिंपल, we are here to please krishna the way he wants, aur kyunki krishna bol rahe hain yajna naam jap yajnos mein, mera jap karo ek mere namon ka jap karo, hum naam jap kar rahe hain aur bhagwan prasann hai, theek hai। aur jab hum kisi varishth ka naam lete hain, unki naam is bhautik jagat mein ek vyakti ki identity hoti hai, aur jab hum bhagwan ka naam lete hain wo bhagwan se abhinna hota hai, naam aur bhagwan dono mein koi farq hi nahi hai, isliye hum bhagwan ka naam lete hain kyunki भगवान का नाम लेने से स्वयं भगवान के दर्शन होते हैं, जो कि हम भौतिक जगत में किसी का नाम लेने से उसके आपको दर्शन नहीं होंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि भगवान हमें स्वयं
अपने नामों के द्वारा दर्शन देते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस कलयुग में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम नाम के रूप से ही भगवान के दर्शन कर सकते हैं। तो बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है समरदीप कुमार जी की तरफ से, पूछते हैं कि मैं अपने माता पिता को धाम ले जाना चाहते हैं, लेकिन मेरे माता पिता नॉनवेज खाते हैं, तो क्या धाम ले जा सकते हैं? बिल्कुल धाम ले जा सकते हैं, लेकिन धाम में नॉनवेज मत खिलाइए। एटलीस्ट धाम में जो है आपको चार नियम पालन करने हैं, ऐसे बता के लेके जाइए। अगर वो मानते हैं तो लेके जाइए, लेकिन धाम में जाके पाप मत कीजिए, उससे पाप हजार गुना हो जाता है। ठीक है, तो बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है सिमरन जी की तरफ से, पूछते हैं कि कैन बी कंज्यूम अनियन एंड गार्लिक एंड स्टिल डू नीम जप माला। आई हैड स्टॉप्ड कंज्यूमिंग एग्स एंड अल्कोहल नाउ फॉर 1.5 ईयर। मैं आपको बहुत बधाई देना चाहूंगा, बट करेंटली अनियन गार्लिक इज नॉट बिकमिंग पॉसिबल। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या अगर हम प्याज और लहसुन का सेवन करते हैं तो क्या हम नीम की जपमाला पे जप कर सकते हैं? इन्होंने 1-1.5 साल से अंडा और शराब छोड़ दी है, पर अभी तक ये प्याज और लहसुन नहीं छोड़ पाई है। वेरी गुड। पहली बात तो आप ऑलरेडी एक स्टेप और बढ़ गई है, 1.5 साल से जो व्यसन थी आपको छूट गई, राइट? देखिए आप, ये मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ, नीम माला पे जो जप करते हैं वो जप आप कभी भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, उस पर कोई पाबंदी नहीं। लेकिन दीक्षा के बाद जब तुलसी माला पे जप करते हैं तब नियम स्ट्रिक्टली फॉलो करने होते हैं, लेकिन नीम जप माला आप कर सकती है। ऑल्दो यू आर टेकिंग ऑनियन गार्लिक, नो प्रॉब्लम, इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, हरे कृष्ण। हम आपको बहुत बहुत आशा करेंगे कि आप अगली बार जब हमारे शो पे आए तो आप ये भी बोलें कि आपने अनियन गार्लिक प्याज लहसुन भी छोड़ दिया है और कंठी माला भी धारण कर लिए और अभी दीक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इट विल हैपन, डोंट वरी। जाए तो हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ओम जी की तरफ से, पूछते हैं कि बहुत लोग कहते हैं, मेनी पीपल से कर्मा इज थियोरेटिकल कंसेप्ट इन्वेंटेड जस्ट टू प्रोवाइड और कंसोल ह्यूमन माइंड एंड अल्टीमेटली टू रिड्यूस वायलेंस इन सोसाइटी, इट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, इज इट ट्रू? प्लीज एक्सप्लेन। तो ये कहना चाहते हैं कि कई लोग ऐसा कहते हैं कि कर्मा सिर्फ एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि इन्वेंट किया गया ताकि समाज में शांति बनी रहे और लोग हिंसा कम करें, और ये सच में कर्मा का ये जो कंसेप्ट है ये एग्जिस्ट नहीं करता, क्या ये सही है? प्लीज बताइए इसके बारे में। अगर आप यूनिवर्स किस तरीके से, भौतिक प्रकृति किस तरीके से फंक्शन करते वो भी देखेंगे तो न्यूटन भी बताते हैं एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। रिएक्शन तो जिसी तरीके से जैसे करनी वैसे भरनी, यू सो अ सीड यू गेट द फ्रूट, हाँ कि नहीं? अगर आप जो है लेमन का बीज बोएंगे तो लेमन ट्री मिलेगा, आम का आम नहीं आएगा उसमें। अगर आम का गुटली बोएंगे तो फिर आम आएगा, ना कि कोई और फल। Isn't that also reaction? Action is sowing the seed. Reaction is fruit. तो ये पूरा जगत जो है सत असत, टू थिंग्स, सद असत बोला गया, एक्शन एंड रिएक्शन, कॉज एंड इफेक्ट। तो हम क्लियरली साइंटिफिकली ये समझ सकते हैं देयर इज अ कॉज एंड इफेक्ट। तो अगर हम किसी इफेक्ट को देख रहे हैं उसके पीछे एक कॉज भी है, यस और नो, दैट इज कॉल्ड कर्मा। इट इज वेरी साइंटिफिक, इट्स कॉमन, राइट? किसी को खांसी आ रही है, दैट इज एन इफेक्ट, एंड देयर डेफिनेटली हैज टू बी अ कॉज। कॉज क्या था? अच्छे कल ठंडी का सीजन चल रहा है फिर भी आइसक्रीम खाया मैंने, ठंडा पानी पिया, दैट्स अ कॉज। ओके, दैट इज नॉट अल्टीमेट कॉज, इट्स इमीडिएट कॉज। लेकिन अगर हम अल्टीमेट कॉज देखेंगे पीछे, वाई वाई वाई, तो अल्टीमेट कॉज इज सर्व कारण कारणम इज कृष्ण, कृष्ण इज सर्व कारण कारणम, दिया कृष्ण ने ही वो। लेकिन क्यों दिया भाई कृष्ण, व्हाई डिड यू गिव? कर्मा, गेट द आंसर? सो इट्स अ प्रॉपर साइंटिफिक थ्योरी, हर एक फेनोमेना में हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़िया, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वैभव जी की तरफ से, पूछते हैं कि हाउ टू मेक आवर होम ठाकुर जी रेसिप्रिकेट विद अस। तो ये जानना चाहते हैं कि हम अपने घर में जो विग्रह हैं उनको हमारे से किस तरीके से रेसिप्रिकेट कर सकते हैं। Make our home ठाकुर जी reciprocate with us. काफी बड़ी बात बोली है उन्होंने। ठाकुर जी वो घर के हो मंदिर के हो, पहली बात तो ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, ये घर के विग्रह है, ये मंदिर के विग्रह नहीं। कृष्णा इज कृष्णा। वी रिसेंटली हैड अ वर्कशॉप बाय हिज ग्रेस नरसिंह कवच प्रभु, वो हमें वर्कशॉप बता रहे थे, इज द डीटी मिनिस्ट्री हेड, तो बता रहे थे दिस इज रॉन्ग, घर का ड्यूटी मंदिर का ड्यूटी, कृष्णा इज कृष्णा। इज नॉट दैट घर का कृष्णा है, बाहर का कृष्णा है, मंदिर का कृष्णा है, उसके घर का कृष्णा है, पड़ोसी का कृष्णा है, नहीं, कृष्णा इज कृष्णा। यस, वो भगवान है,
Is it God? Yes, he is God. He is accepting bhoga? Yes. How do we Krishna reciprocate with us? Krishna only reciprocates with service attitude, loving service attitude. और ये वैभव जी लविंग सर्विस एटीट्यूड जो है प्रेममयी सेवा भाव, इस चीज को हमें भक्तों के सानिध्य में भक्तों की सेवा करके प्राप्त होगा। देखिए जिस प्रकार से, देखिए कोई डायरेक्टली जाके कृष्ण को देखना चाहते हैं या प्राइम मिनिस्टर को देखना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर नहीं दर्शन देंगे, लेकिन कोई देश के लिए बड़ा काम करेगा, बहुत महत्वपूर्ण कार्य करेगा, तो प्राइम मिनिस्टर खुद बोला कह रहे कौन है ये लड़का, बहुत अच्छा काम किया मेरे देश के लिए, इसको बुला के इसको सम्मानित करते हैं, पुरस्कृत करते हैं। उसी प्रकार से जब आप भगवान के भक्तों के लिए और खास करके सबसे महान वैष्णव हमारे जीवन में हमारे गुरु है, तो गुरु के लिए और वैष्णवों के लिए जब हम सेवा करते हैं तो भगवान हमारा कार्य नोटिस करते हैं एंड ही विल डेफिनेटली रेसिप्रोकेट विद अस। अमेजिंग। तो इसी के साथ मैं आप सबसे माफी चाहूंगा कि समय के अभाव के कारण हम और प्रश्न नहीं ले पाएंगे। मैं देख रहा हूँ कि आज बहुत सारे प्रश्न आए हैं और आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत ही अच्छी संख्या में, तो बट समय खत्म हो चुका है और हम और प्रश्न नहीं ले पाएंगे। आप हमारे साथ हर वीक थर्सडे को जुड़ सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके प्रश्न लें। तो प्रभु जी जाने से पहले आप इस टॉपिक के ऊपर आखिरी प्रेरणादायक शब्द क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहूँगा यही बात कि देखिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें 2-3 सिद्धांत बताए। पहला सिद्धांत है वैष्णवों की सेवा। जब हम वैष्णवों की सेवा करते प्रामाणिक रूप से, तो खास करके वो वैष्णव जो भगवान के इतने निकट है, नाम से उनको प्रेम है, नाम और भागवतम उनके लिए जीवन है, अन्न और जल नाम और भागवतम ही है, ऐसे भक्तों की जब वैष्णव सेवा करेंगे तो हमारे हृदय में भी नाम रुचि जागृत होगी और उस नाम रुचि को हम लोग जब और बढ़ाते रहेंगे किस हद तक वो नाम रुचि बढ़ी है वो जीव दया में फैलेगी, कितना हम प्रचार कर पाते। तो वैष्णव सेवा, नाम रुचि, जीवे दया, तो शुरुआत होती है वैष्णव के सेवा से। इस सिद्धांत को हमेशा याद रखते हुए कोई भी हमारे भक्ति में कार्य हमें करने चाहिए। इतना तक कि वृंदावन धाम में हम भक्तों की सेवा करने ही जा रहे हैं, भक्तों के सेवक के रूप में ही जा रहे हैं। अगर ये सेवक भाव रहेगा, वैष्णव का दास बन के जा रहा हूं, तो हमें ज्यादा से ज्यादा कृपा प्राप्त होगी। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आज आप हमारे शो में आए और आपने इतनी सारी बातें बताई धाम के बारे में, ऑलमोस्ट आपने एक वृंदावन यात्रा भी ले गए, बहुत आनंद आया आज। थैंक यू सो मच कि आज आपने हमें सही तरीके से बताया कि हमारी क्या कॉन्शियसनेस होनी चाहिए धाम यात्रा करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो दर्शकों आज हमने जाना कि किस तरीके से निधिवन की क्या मान्यता है और क्या मान्यता है सब वनों की जो कि हमारे वृंदावन में है, क्या मान्यता है धाम की, क्या मान्यता है हमारे स्वभाव की और हमारी कॉन्शियसनेस की जब हमें धाम विजिट करना चाहिए। धाम एक पर्यटन का स्थान नहीं है, धाम एक ऐसा स्थान है जहाँ पे कि हम स्वयं भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम धाम सेवा करें, भगवान का नाम लें, वहाँ पे भक्तों का सेवा करें, भक्तों के सानिध्य के साथ भगवान के बारे में सुने। आजकल कई सारी भौतिक चीजों की वजह से धाम में ये सब करना मुश्किल हो गया है, पर अगर हम ऐसी इच्छा रखते हैं कि हम भगवान की सेवा करें और धाम का सही आस्वादन करें, तो भगवान हमें जरूर वो अपॉर्चुनिटी देंगे जिससे कि हम ये कर सकें। तो मैं आशा करता हूं कि आज इस शो से आपके जीवन में एक नई स्फूर्ति आएगी कि आप धाम यात्रा को एक नए नजरिए से देख पाएंगे और अपनी भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। तो आज के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं, हम मिलेंगे अगली बार एक और नए टॉपिक के साथ, सीधी बात प्रभु जी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। हरे कृष्णा।